हाय दोस्तों, आई एम हरीश मथारिया और आज का हमारा टॉपिक है डिबेंचर्स। बच्चे, सीएस एग्जीक्यूटिव का रिवीजन चल रहा है, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिबेंचर आज मैंने स्टार्ट किया है। बड़ा ही आसान टॉपिक है बच्चों, ध्यान देना। इस टॉपिक का क्या कहना है, एक दो मिनट में पहले इसका थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट जो भी है वो डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डन। टॉपिक बहुत आसान है बच्चों, ध्यान देना। सो सबसे पहला सवाल सर, डिबेंचर यानी क्या? डिबेंचर इज नथिंग बट अ रिटन एक्नॉलेजमेंट गिवन बाय द कंपनी टू द पर्सन फ्रॉम व्होम द कंपनी हैज टेकन अ लोन। मतलब आसान भाषा में, कंपनी ने जिस भाई साहब से लोन लिया है, कंपनी गारंटी के तौर पे उसे एक सर्टिफिकेट इश्यू करती है, उस सर्टिफिकेट को हम लोग बोलेंगे डिबेंचर सर्टिफिकेट, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट गिवन बाय द कंपनी। और वो जो भाई साहब है जिनसे लोन लिया है, उन्हें हम लोग प्यार से डिबेंचर होल्डर बोलेंगे। सो डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? क्योंकि कंपनी ने उनसे लोन लिया है, पैसा उधार लिया है, किससे? डिबेंचर होल्डर से। सो डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी एंड आप लोग जानते हो, वेर एज शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, है ना। डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी इंटरेस्ट देती है, वही अगर हम लोग कंपेयर करते हैं शेयर होल्डर के साथ, तो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। डिबेंचर होल्डर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। सर, शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलेगा वो क्या हर केस में मिलने वाला है? क्या प्रॉफिट रहा तो भी, नहीं रहा तो भी? नहीं बेटा, अगर प्रॉफिट है तो ही शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलेगा। हाँ, कंपनी पास प्रॉफिट से भी डिविडेंड दे सकती है, लेकिन प्रॉफिट होना जरूरी है, चाहे प्रेजेंट प्रॉफिट भी चलेगा, पास प्रॉफिट भी चलेगा। लेकिन डिबेंचर होल्डर के केस में ऐसा कुछ नहीं है, डिबेंचर होल्डर्स को प्रॉफिट हो चाहे ना हो उससे कोई लेन देन नहीं है, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट तो कंपलसरी मिलने ही वाला है। क्यों? बिकॉज डिबेंचर्स इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट हो चाहे ना हो, चार्ज है मतलब क्या है, कंपलसरी आइटम है। डिबेंचर इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना ही है। लेकिन शेयर होल्डर के केस में अगर प्रॉफिट हुआ तो ही कंपनी डिविडेंड देगी, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं देगी। मतलब डिविडेंड इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बट डिबेंचर इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू। सर, डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स है, मतलब उनके पास वोटिंग राइट नहीं रहेगा। बिल्कुल सही है बेटा, उनके पास वोटिंग राइट नहीं रहेगा, लेकिन शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट रहेगा, डिबेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं रहेगा। सर, डिबेंचर्स की एंट्रीज कैसी होती है बता देता हूं, एक सेंटेंस में बता रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। जो हमारी इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्रीज थी, सेम एंट्रीज कॉपी पेस्ट डिबेंचर्स की एंट्रीज है, जहां जहां शेयर कैपिटल वर्ड था वहां वहां कट करके रिप्लेस कर दो डिबेंचर वर्ड को। तो जो आपकी इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्रीज थी, जहां जहां शेयर कैपिटल वर्ड था, जहां जहां शेयर वर्ड था, उसे रिप्लेस करना है डिबेंचर के साथ, बाकी सेम कॉपी पेस्ट, सारी एंट्रीज बिल्कुल सेम है। तो सर, क्या शेयर फॉरफिट होते थे, डिबेंचर्स भी फॉरफिट हो गए क्या? नो, शेयर्स फॉरफिट होते थे लेकिन डिबेंचर्स कभी भी फॉरफिट नहीं हो सकते। एक तो डिबेंचर होल्डर्स ने एहसान किया है कंपनी को पैसा दे करके, उसमें भी अगर उन्होंने कम पैसा दिया तो क्या आप डिबेंचर फॉरफिट कर लोगे? नो, शेयर्स फॉरफिट होते हैं, शेयर्स में फॉरफिचर का एंट्री रहेगा लेकिन डिबेंचर्स के केस में फॉरफिचर का एंट्री नहीं रहेगा। सिंपल है। सो ये सारी चीजें, डिबेंचर्स को हम लोग शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, बट शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर इन एनी केस। शेयर्स को डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन डिबेंचर्स मे बी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, मतलब हम लोग डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स के केस में। ये समझ में आ रहा है सभी को? सो डिबेंचर का मीनिंग समझ में आ गया। डिबेंचर सर्टिफिकेट कौन इशू करती है? कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स कौन है? कंपनी के क्रेडिटर्स है बेटा। डन। चलो बेटा, हम लोग डिबेंचर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डिबेंचर में कितने टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, एक बार ध्यान देना। आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्रीज आ सकती है, उसके बाद कंपनी काफी बार डिबेंचर इशू करती है एट डिस्काउंट और रिडम्पशन करती है एट पार और एट प्रीमियम, या कंपनी ऐसा भी कर सकती है डिबेंचर इशू करेगी एट प्रीमियम, रिडम्पशन में भी एट पार और एट प्रीमियम। तो इस केस में आपको काफी बार इंस्टीट्यूट पूछेगी कि यू हैव टू कैलकुलेट द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्या बोला मैंने? यू हैव टू कैलकुलेट द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डोंट वरी, हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। सो इशू ऑफ डिबेंचर का यू हैव टू कैलकुलेट द लॉस, और उसके बाद उस लॉस को, उस फिक्टिशियस असेट को आपने हर साल थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करना है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपका और मेरा फेवरेट सिंकिंग फंड वाला क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है कि डिबेंचर रिडीम करना है तो विद द हेल्प ऑफ सिंकिंग फंड और डिबेंचर
डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, वो एक क्वेश्चन आ सकता है। देन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद काफी बार कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने ही डिबेंचर परचेस कर लेती है, ओन डिबेंचर परचेस कर लेती है, और परचेस करने के बाद या तो इमीडिएट कैंसिल कर लेगी, पांचवा क्वेश्चन, या तो उसे इन्वेस्टमेंट बोल के अपने पास रखेगी, इन फ्यूचर कैंसिल करेगी। समझ में आ रहा है क्या? ये पांच छह कैटेगरी के क्वेश्चन इस टॉपिक में आ सकते हैं। चलो वन बाय वन सारी कैटेगरी के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इश्यू ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन बहुत आसान है, पूछा तो 3-4 नंबर के लिए इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछता है। चलो फटाफट से सॉल्व करना है आप सभी ने मेरे साथ। आ जाओ बेटा, नोट्स होगी आपके पास, नोट्स में आ जाओ, पेज नंबर 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। चलो ध्यान देना बेटा आप सभी ने, HM लिमिटेड, देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, HM लिमिटेड, ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं इसका, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 9.2, HM लिमिटेड इशूड 10,012% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹94। 100 का डिबेंचर कितने में दिया, 94 में। सर कंपनी क्या डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू कर सकती है क्या? हाँ बेटा बिल्कुल कर सकती है। उसके बाद आगे और पढ़ते हैं। ऑन 1st of January 2010 इशू किया था हमने इस डेट को। अंडर द टर्म्स ऑफ इशू 1/5 ऑफ द डिबेंचर्स आर एन्युअली रिडमेबल बाय ड्रॉइंग्स, ओके। द फर्स्ट रिडम्पशन ऑकरिंग ऑन 31st December 2010। पहली बार जो रिडम्पशन हुआ वो कब हुआ, 31st December 2010 को। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईयर 2010 to 2014। बच्चों ध्यान देना, सवाल क्या पूछा है यहाँ पे, कंपनी ने 1 जनवरी 2010 को डिबेंचर इशू किया था, और वो डिबेंचर का जो टोटल पीरियड था वो था 5 साल, और हर साल कंपनी 1/5 अमाउंट रिडीम कर रही है। सर डिबेंचर रिडीम करना मतलब क्या, कंपनी अपना ही डिबेंचर वापस खरीद लेती है और डिबेंचर होल्डर को उनका पैसा वापस कर देती है। ये डिबेंचर वापस लेकर के पैसा वापस करना है, यानी रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर अमाउंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आसान भाषा में, कंपनी ने जो डिबेंचर इशू किया था भूतकाल में, पास्ट में, वो डिबेंचर कंपनी वापस लेकर के डिबेंचर होल्डर को उनका पैसा वापस कर रही है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रिडम्पशन। और यहाँ पे कंपनी हर साल कितना रिडीम कर रही है, 1/5। कंपनी हर साल कितना रिडीम कर रही है, 1/5 ऑफ द डिबेंचर हर साल रिडीम कर रही है। सो डिबेंचर इशू किया था डिस्काउंट पे, और रिडम्पशन कैसे हो रहा है कुछ बोला नहीं, तो हम लोग सोचेंगे रिडम्पशन एट पार हो रहा है। सर रिडम्पशन एट पार हो रहा है मतलब ₹100 का डिबेंचर वापस ले लो और उन्हें ₹100 वापस कर दो। 100 के बदले 100 दिया, एट पार रिडम्पशन हुआ। 100 के बदले 100 से ज्यादा दिया, रिडम्पशन एट प्रीमियम। 100 के बदले 100 से कम दिया, रिडम्पशन एट डिस्काउंट, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी डिबेंचर होल्डर कंपनी को ₹100 दे करके इन फ्यूचर ₹90 या 100 से कम तो वापस लेगा नहीं। सो प्रैक्टिकली रिडम्पशन एट डिबेंचर पॉसिबल नहीं है। सो आपको रिडम्पशन एट पार और रिडम्पशन एट प्रीमियम की केसेस रहेगी। सर हमें लेकिन यहां पे ये पूछा क्या है, सवाल क्या पूछा है? बच्चों ध्यान देना, सवाल ये है कि इस केस में जो कंपनी को नुकसान हुआ है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, उस लॉस को कंपनी कैसे राइट ऑफ करेगी? पहले तो एक चीज बता देता हूं, जब कभी भी कोई कंपनी डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करती है तो वो जो डिस्काउंट है वो कंपनी का लॉस रहेगा। लॉस एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर फिक्टिशियस असेट रहेगी, लॉस असेट रहेगी, क्योंकि 100 के बदले कंपनी ने कितना लिया, ₹90। 100 के बदले कितना लिया बेटा कंपनी ने यहाँ पे, सॉरी ₹94। 100 के बदले कितना लिया, 94। यहाँ पे कंपनी को कितने का नुकसान हुआ, ₹6 का नुकसान हुआ। सवाल क्या पूछा है, इस ₹6 के नुकसान को कंपनी कैसे राइट ऑफ करेगी, ₹6 को कंपनी कैसे राइट ऑफ करेगी, ये सवाल पूछा है बच्चों ध्यान देना। सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन 2010 to 2014। सर ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है क्या? बेटे फिक्टिशियस असेट है, ये लॉस असेट है, बराबर है। इस लॉस असेट को आपने ओवर द टेन्योर ऑफ डिबेंचर क्या करना है, राइट ऑफ करना है, वही तो सवाल पूछा है यहाँ पे। चलो फटाफट से राइट ऑफ करते हैं, ठीक से ध्यान देना बेटा आप सभी ने। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर वन पेज नंबर 9.2 सब लोग साथ में बेटा, सो लिखो फटाफट से, HM लिमिटेड, सबसे पहले मैं लॉस और डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेता हूं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, आपने पूरा लिखना है बेटा, आपने IOD नहीं लिखना है, आपने पूरा इशू ऑफ डिबेंचर्स लिखना है एग्जाम में। देखो आगे क्या दिया है, सो कैसे निकालना है, अमाउंट अमाउंट रिसीव्ड
एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, लेकिन इस अमाउंट में प्रीमियम नहीं लेना है, एक्सेप्ट प्रीमियम। सर क्यों? क्योंकि प्रीमियम, वंस यू रिसीव द प्रीमियम, इट विल परमानेंटली ट्रांसफर टू, इट विल ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, उसके बाद लेस अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। चलो देखो बच्चों, यहाँ पे अमाउंट कितना मिला था एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, ध्यान देना क्वेश्चन में दूसरे लाइन में लिखा है 94 रुपीज में एक डिबेंचर बेचा था, यानी कितना पैसा आया होगा, 10,000 इंटू 94 यानी 9,40,000 रुपीज आया था। और कितना वापस करना है, रिडम्पशन कैसे हो रहा है, कुछ बोला है कि यहाँ पे रिडम्पशन हर साल 1/5 1/5 डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, लेकिन रिडम्पशन एट पार हो रहा है क्या, एट प्रीमियम हो रहा है, इसके बारे में कुछ दिया नहीं, तो हम लोग सोचे कि रिडम्पशन एट पार हो रहा है। सो वापस कितना करना है, 10,000 डिबेंचर्स इनटू एट पार रिडम्पशन हो रहा है, हम लोग सोचेंगे यानी कितना रुपया वापस देना है, 10 लाख रुपए। ये ऊपर का कैसे आया, 10,000 इंटू 94, 9,40,000 रुपीज डन। उसके बाद आगे ध्यान देना, सो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ बच्चों, सी लॉस ऑन इशू इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना हुआ रे बाबा, नुकसान यहाँ पे 60,000 रुपये का। सर कैसे हुआ, अरे बाबा 9,40,000 रुपये लिया अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम, और वापस कितना करना है, 10 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे 60,000 का लॉस हो गया है। उस लॉस को हम लोग राइट ऑफ कैसे करेंगे, ये सवाल पूछा है, उस लॉस को हम लोग राइट ऑफ कैसे करेंगे, ये सवाल पूछा है। सवाल समझ में आया सभी को? सो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट और अमाउंट ऑफ लॉस टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द ईयर 2010 टू 2014। ये सवाल पूछा है। सर इसमें क्या बड़ी बात है, 60,000 रुपये का लॉस है, 5 साल इसका टेन्योर है, सो हर साल 12,000 रुपये लॉस राइट ऑफ कर दो। गलत, आपने क्या किया, आपने हर साल इक्वल इंस्टॉलमेंट में लॉस राइट ऑफ कर दिया। लॉस कौन से रेशो में राइट ऑफ होता है, एक बार ध्यान से सुनना बच्चों, लॉस कौन से रेशो में राइट ऑफ होता है, लॉस राइट ऑफ होता है इन द रेशो ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। सर मतलब जिस साल जितना डिबेंचर का अमाउंट आउटस्टैंडिंग था उतने रेशो में लॉस राइट ऑफ होगा सर हर केस में। हाँ अब यहाँ पे हर साल 1/5 1/5 1/5 1/5 का रिडम्पशन हो रहा है, सो हर साल अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑफ डिबेंचर कम 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 होते जा रहा है, क्योंकि हर साल हम लोग 20% रिडीम कर रहे हैं। हाँ आपका आंसर बिल्कुल सही रहता, 12,000 रुपये हर साल में, 60,000 डिवाइड बाय 5 साल, तो वो आंसर आपका बिल्कुल सही रहता। लेकिन कौन से केस में है, अगर यहाँ पे पूरा का पूरा रिडम्पशन एक साथ होता एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, तो आपका बिल्कुल करेक्ट रहता, यानी हर साल अमाउंट आउटस्टैंडिंग सेम रहता, लेकिन यहाँ पे हर साल अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो रहा है। सो जाने दो सारी चीजें, मैं आपको मोरल ऑफ द स्टोरी बता देता हूं, कोई भी लॉस रहो लॉस कौन से रेशो में राइट ऑफ करना है, इन द रेशो ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑफ डिबेंचर ड्यूरिंग द ईयर। अभी देखो निकाल के बताता हूं, ध्यान देना बेटा आपने। सो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू बी राइट ऑफ इन द रेशो ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर, बच्चों ये अंडरलाइन करके रखना, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। सर अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर कितना है, अभी बताता हूँ, प्लीज ध्यान देना बेटा। सो डिबेंचर मैंने इशू किया था, अब डिबेंचर के अमाउंट की बात चल रही है, किसके अमाउंट की बात चल रही है, डिबेंचर के। डिबेंचर भले ही मैंने कितने में इशू किया, 94 में, लेकिन उसमें ओनरशिप कितने की दिया, 100 की, तभी तो बोला जाएगा ना डिस्काउंट पे। उसमें ओनरशिप कितने की थी, 100 की, यानी अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना था, 100, यानी पूरा अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना दिखेगा, 10 लाख, 10,000 × 100, लिया 940, लेकिन आउटस्टैंडिंग कितना दिखेगा, 10 लाख। सो मैंने डिबेंचर इशू किया, बच्चों ध्यान देना, मैंने डिबेंचर इशू किया, अभी बोलो बेटा कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है बेटा, 10 लाख रुपीज आउटस्टैंडिंग है। कब इशू किया मैंने, 1 जनवरी 2010 को, और पहली बार 1/5 रिडम्पशन कब हुआ, देखना जरा क्वेश्चन में ऊपर से चौथे लाइन में, फर्स्ट रिडम्पशन ऑकरिंग ऑन 31 दिसंबर 2010। ओके सो ये 31 दिसंबर 2010 को कितना रिडीम कर दिया, 10 लाख का 1/5 यानी 2 लाख रुपए, क्या ये 2 लाख का रिडम्पशन हो गया।
यानी 10 लाख में से 2 लाख वापस कर दिए। बोलो बेटा अगले साल कितना आउटस्टैंडिंग बचा फिर? 8 लाख रुपीस। अगले साल कितना आउटस्टैंडिंग बचा? 8 लाख रुपीस। सर पहले साल में कितना आउटस्टैंडिंग था? 10 लाख के डिबेंचर इशू किए, ये अभी तक रिडेम्पशन नहीं हुआ, नहीं हुआ मतलब यहाँ पे तो इस पूरे पीरियड में 10 लाख का आउटस्टैंडिंग है। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले साल आउटस्टैंडिंग कितना था? 10 लाख रुपीस। फिर पहले साल 10 लाख आउटस्टैंडिंग था, पहले साल के आखिरी में 2 लाख का रिडेम्पशन हो गया, सो अगले साल आउटस्टैंडिंग था 8 लाख। अगले साल और 2 लाख का रिडेम्पशन हो जाएगा, 1/5 हो रहा है ना हर साल, सो अगले साल और 2 लाख का रिडेम्पशन हो जाएगा 31 दिसंबर 2011। फिर उसके अगले साल कितना बचा? 6 लाख। उसके अगले साल और 2 लाख का रिडेम्पशन हो जाएगा, कब? 31 दिसंबर 2012। फिर कितना बचा? 4 लाख। फिर और 2 लाख का रिडेम्पशन हो जाएगा 31 दिसंबर 2013। बोलो कितना बचा? 2 लाख। फिर और 2 लाख का रिडेम्पशन हो जाएगा 31 दिसंबर 2014। फिर कितना बचा? 0। कुछ था बेटा, बहुत सिंपल है। सो 1 2 3 4 5, हर साल अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। बेटा मैंने वर्डिंग क्या यूज किया? अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर, नॉट एट द बिगिनिंग, नॉट एट द एंड। मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है? अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। सो ड्यूरिंग द ईयर कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था? 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। तो ये रेशो हो जाएगा आपका, सो 10:8:6:4:2। सो कौन से रेशो में राइट ऑफ करना है? 10:8:6:4:2। चलो राइट ऑफ करो बेटा 60,000 को इस रेशो में 10:8:6:4:2। चलो टोटल कर लो 10:8:6:4:2 की, 10 और 8 18, 18 6 24 4 28 2 30। सो 60,000 / 30 × 10, सो अमाउंट टू बी राइट ऑफ। सर राइट ऑफ करना मतलब P&L के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देना। सो इस साल कितना राइट ऑफ हो जाएगा बेटा? इस साल राइट ऑफ होगा 20,000, देन 8 कितना राइट ऑफ होगा? 16,000 सेकेंड ईयर में, देन 6 = 12,000 इस साल राइट ऑफ होगा, देन 4 = 8,000 इस साल राइट ऑफ होगा, देन 2 = 4,000 इस साल राइट ऑफ हो जाएगा। टोटल कर लो बेटा सबकी टोटल कितनी आ रही है? 60,000। ये फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ होगा, ये सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ये फोर्थ ईयर में और ये फिफ्थ ईयर में। कुछ था इसमें। मैंने क्या किया बच्चों? मैंने क्या किया? पहले तो मैंने सबसे पहला काम, पहले मैंने लॉस का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया जो कि कितना है यहाँ पे? 60,000। सर आप बार बार लॉस क्यों बोल रहे हो उसको? अरे बाबा डिस्काउंट दिया है वो भी तो एक प्रकार का लॉस ही है, फिक्टिशियस असेट ही है, लॉस असेट ही है। तो सबसे पहले मैंने लॉस का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया 60,000 रुपये, और उसके बाद वो लॉस का अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद उसको हर साल कितना राइट ऑफ करना है मैंने वो कैलकुलेट किया। सर कौन से रेशो में राइट ऑफ करना है? इन द रेशो ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर, उस रेशो में राइट ऑफ करना है। सो मैंने अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर का पता लगाया, डिबेंचर इशू किया 10 लाख, पहले साल में अमाउंट आउटस्टैंडिंग 10 लाख था, फिर पहले साल के आखिरी में 2 लाख का रिडेम्पशन किया, अगले साल अमाउंट आउटस्टैंडिंग 8 लाख था, फिर अगले साल के आखिरी में 2 लाख का रिडेम्पशन किया, उसके अगले साल अमाउंट आउटस्टैंडिंग 6 लाख था, फिर 4 लाख था, फिर 2 लाख था। तो इस रेशो में 10:8:6:4:2 इस रेशो में अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर, उस रेशो में मैंने राइट ऑफ कर दिया। ये तो सवाल पूछा था कौन से साल में कितना लॉस कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करना है। तो पहले साल में 20,000 राइट ऑफ करेंगे, दूसरे साल में 60,000, तीसरे साल में 12,000, चौथे साल में 8,000 और लास्ट ईयर में 4,000। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, शो बाय मीन्स ऑफ जर्नल एंट्रीज हाउ यू विल रिकॉर्ड द फॉलोइंग इशू। बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूं। शो बाय मीन्स ऑफ जर्नल एंट्रीज हाउ विल यू रिकॉर्ड द फॉलोइंग इशू। सबसे पहले पी लिमिटेड इशूड 5,010% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% रिडेमेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर एट पार। बच्चों आपको यहाँ पे चारों अलग अलग केसेस में एंट्रीज पास करना है ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। 4 डिफरेंट केसेस है, यू हैव टू पास द एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। चलो ठीक है, अभी हम लोग पास करते हैं बेटा। दूसरी केस में दिया है, तीसरी और ये चौथी केस है, हर एक केस में एंट्री पास करते हैं। ध्यान देना बेटा आप सभी ने। चलो मैं कहाँ लिखूँ इसको? मैं ये मिटा दूँ क्या? साइड में जो लिखा हुआ है ये मिटा देता हूँ, ये मिटा रहा हूँ। ध्यान देना बेटा आपने, सारी केस में एंट्री पास कर लेंगे हम लोग अभी। ओके
सो केस वन पी लिमिटेड इशूड 5000 10% डिबेंचर डिस्काउंट पे 5%, लेकिन रिडम्पशन कैसे होने वाला है एट पार। ध्यान देना बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इशू की एंट्री पास करना है, चार नंबर के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चार से पाँच नंबर के लिए। पहली केस की एंट्री पास कर रहा हूँ, नाम लिख लो। क्वेश्चन नंबर टू, पेज नंबर 9.2, क्या नाम था कंपनी का? पी लिमिटेड पहली केस में लिख रहा हूँ, ऐसा लिखता हूँ, केस वन पी लिमिटेड। ओके, क्योंकि चारों केस में कंपनी का नाम अलग अलग है, केस वन चल रही है। ध्यान देना कितने डिबेंचर इशू किए थे पटना बेटा आपने, 5000 10% डिबेंचर्स था। अभी एंट्री पास करता हूँ बच्चों, ध्यान देना। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, कितना डिबेंचर्स था 5000 और इशू किया था एट 5% डिस्काउंट यानी 95 में, 100 का डिबेंचर 5% डिस्काउंट यानी 95 into 95। सो 5000 into 95 कितना पैसा आया, 4,75,000। उसके बाद डिस्काउंट कितना दिया, यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितना, 5% यानी 25,000 रुपये। डिस्काउंट या प्रीमियम हर बार आपने कैलकुलेट करना है फेस वैल्यू पे, ठीक है। फेस वैल्यू 5 लाख है, 5 लाख का 5% 25,000 रुपये टोटल फेस वैल्यू है बच्चों, 5000 into 100 उसका 5% यानी 25,000 रुपये। टू डिबेंचर का नाम क्या बेटा, यहाँ पे देखो जरा, डिबेंचर का नाम है 10% टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट कितना है रे बाबा, 5 लाख रुपीस। नरेशन लिखना बेटा आपने, नरेशन बहुत सिंपल रहेगा, नरेशन इज नथिंग बट अ शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, बस कुछ नहीं, यहाँ से पढ़ लो और एज इट इज लिख दो। पी लिमिटेड इशूड 5000 10% डिबेंचर एट 5% डिस्काउंट एंड रिडमेबल एट पार, रिडम्पशन एट पार होने वाला, इसलिए रिडम्पशन के समय का फायदे नुकसान के बारे में मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करूँगा, अगले केस में ये चीज़ आएगी। ये पहली वाली केस बहुत सिंपल थे, डिबेंचर इशू किया एट डिस्काउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, सिंपल है पक्का, पैसा आ गया इसलिए मैंने बैंक को डेबिट किया। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यहाँ पे मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ यानी कंपनी का एक्सपेंस लॉस बढ़ रहा है, लॉस का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, इसलिए मैंने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट किया। सर क्या ये फिक्टिशियस लॉस असेट है क्या? हाँ। सर क्या ये लॉस असेट है क्या? हाँ। सर क्या इस लॉस असेट को हर साल थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करना पड़ेगा क्या? हाँ। सर फिर यहाँ पे राइट ऑफ क्यों नहीं किया? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं था, अगर पूछते लॉस कैसे राइट ऑफ करना है तो मैं डेफिनेटली जवाब देता, इन द रेशो ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। सर कितने पीरियड में लॉस राइट ऑफ करना है? ओवर द टेन्योर ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का जितना टेन्योर रहेगा उस टेन्योर पे आपने क्या करना है, लॉस को राइट ऑफ करना है, सिंपल है। ये थी केस वन, केस टू पढ़ रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना। केस टू थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको, केस टू पढ़ रहा हूँ। ओके, केस टू, क्यू लिमिटेड इशूड 5000 11% डिबेंचर ऑफ ₹100 एट पार एंड रिडमेबल एट द एंड ऑफ 5 years एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। सो 5000 डिबेंचर इशू किया एट पार, लेकिन रिडम्पशन होगा एट प्रीमियम, कब? 5 साल बाद, ठीक है। अभी एंट्री पास करते हैं बच्चों, प्लीज ठीक से ध्यान देना आप सभी ने बेटा। केस टू क्या नाम था कंपनी का? क्यू लिमिटेड। ओके, अभी लिख लेता हूँ। सो बैंक अकाउंट डेबिट बच्चों प्लीज ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिट कितना डिबेंचर इशू किया है 5000, सो 5000 इनटू पैसा तो एट पार आया ना, सो बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ गया, 5 लाख रुपए, ठीक है। पहले मैं इशू से रिलेटेड किस्सा लिख रहा हूं, ध्यान देना मेरे सेंटेंस की तरफ गौर करो बच्चों, पहले मैं इशू से रिलेटेड किस्सा लिख रहा हूँ और बाद में मैं रिडम्पशन से रिलेटेड किस्सा देखूंगा क्या इस क्वेश्चन में। सो इशू का काम पहले पूरा कर लेता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 5 लाख रुपए और इशू डेट पार है ना, एक लाइन का स्पेस दे रहा हूँ यहाँ पे। टू डिबेंचर का नाम क्या था, 11% डिबेंचर कितना, फेस वैल्यू, हर बार डिबेंचर अकाउंट में क्या जाएगा, फेस वैल्यू इंटू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है 100 रुपए। सो ये इशू का एंट्री तो समझ में आ गया सभी को, इशू का एंट्री क्लियर हुआ, बैंक टू 11% डिबेंचर। सर पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, लेकिन डिबेंचर को क्रेडिट क्यों किया? अरे बाबा डिबेंचर ही हमारी लाइबिलिटी है, डिबेंचर इशू करूंगा तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस बढ़ती है तो क्रेडिट करो, सो टू डिबेंचर लिख दिया 5 लाख। सो इशू का किस्सा खत्म,
इशू का किस्सा खत्म, ये इशू से रिलेटेड एंट्री था। देखो मैं हैशटैग कर रहा हूँ, ये इशू से रिलेटेड एंट्री था। अब हे क्वेश्चन बता, रिडम्पशन का क्या किस्सा है तेरा? तो क्वेश्चन ने बताया कि सर रिडम्पशन हो रहा है एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम हो रहा है, एट प्रीमियम मतलब हम लोग इन फ्यूचर ज़्यादा देने वाले हैं, मतलब 100 के डिबेंचर के लिए। यहाँ पे देखो बेटा रिडम्पशन के बारे में क्या बोला है, रिडम्पशन हो रहा है एट प्रीमियम ऑफ 5%, यानी 100 रुपये का डिबेंचर आज हमने इशू किया है, हमने लोगों से 100 रुपये लिए, लेकिन इन फ्यूचर 5 साल बाद जब रिडम्पशन होगा तो हम लोग उन्हें 105 रुपये वापस करने वाले हैं। ये फैक्ट हमें आज ही पता है, यानी हमें आज ही पता है 100 के बदले कितना वापस करना है 105, यानी हमें आज ही पता है कि 5 रुपये का लॉस हो गया, फ्यूचर में आपको 105 वापस करना है, ये बात आपको आज ही पता है, यानी फ्यूचर में जो 5 का लॉस होने वाला है वो बात आपको आज ही पता है। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का क्या कहना है, हे अकाउंटेंट सुन, एंटिसिपेट फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर इनकम और गेन। जब आपको आज पता है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो उस फ्यूचर के लॉस का एंट्री आज ही कर लो, तो आज ही मैं उस फ्यूचर के लॉस का एंट्री करता हूं, कब? आज कब? एट द टाइम ऑफ इशू। सो हमें एट द टाइम ऑफ इशू ही पता है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना है 5। सर ये लॉस तो रिडेम्पशन के समय होगा, लेकिन हमें पता इशू के समय है ना, इसलिए इसका नाम रहेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितने का लॉस हुआ? 5 रुपए का, क्योंकि 100 का डिबेंचर के बदले इन फ्यूचर वापस कितना देना है 105, यानी 5 का लॉस हो गया। तो फ्यूचर के उस लॉस की मैं आज ही एंट्री करता हूं, क्यों? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। सो लॉस बढ़ गया मेरा, लॉस का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितना है रे बाबा, 5% है ना, तो कितना आ रहा है 5%, 25,000 रुपए, 100 रुपए के ऊपर 5%, 5 रुपए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने, 5,000, 5,000 इंटू 5 कितना हो गया, 25,000 रुपए। सो ये लॉस है, आज ही मुझे पता चल गया, मैंने आज ही लॉस को डेबिट कर दिया, और ये 25,000 मुझे इन फ्यूचर देना पड़ेगा क्या डिबेंचर होल्डर्स को? हाँ देना पड़ेगा, जब भी किसी पार्टी या पर्सन को कुछ देना है तो मतलब हमारे लिए अमाउंट पेएबल है, और अमाउंट पेएबल है मतलब हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ गई तो लाइबिलिटी को क्रेडिट करो। सो यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्या है, टू प्रीमियम पेएबल है ना, तो लिख रहा हूँ टू प्रीमियम पेएबल, टू प्रीमियम पेएबल अकाउंट कितना, 25,000 रुपये। बच्चों देखो मैं कैसा मार्क कर रहा हूँ सर्कल का, ये है रिलेटेड टू रिडम्पशन और ये है आपका रिलेटेड टू इशू रिडम्पशन। ध्यान देना एंट्री, देखो मैंने कैसे लिखा है, देखने वाले को ऐसा दिखेगा पूरा एक साथ लिख दिया, लेकिन हमें पता है इसमें हमने इशू का हैशटैग एंट्री अलग अलग लिखा और रिलेटेड टू रिडम्पशन हमने क्वेश्चन से पूछ के अलग लिखा है, ये रिलेटेड टू रिडम्पशन है। बच्चों प्लीज ध्यान देना, ये क्या है आपका रिलेटेड टू रिडम्पशन, रिलेटेड टू रिडम्पशन। ये है आपका रिलेटेड टू रिडम्पशन, ये है रिलेटेड टू इशू हैशटैग, बरोबर है। सो मैंने इशू से रिलेटेड किस्सा पहले रिकॉर्ड कर लिया, बैंक टू डिबेंचर जो भी कुछ था इशू के समय, और फ्यूचर में रिडम्पशन के समय नुकसान होने वाला है उसके बाद उस नुकसान को अलग से रिकॉर्ड किया। देखने वाले को पूरी एंट्री एक साथ दिख रही है, सर हम लोग अलग अलग लिखना है क्या? नहीं बेटा आप एक साथ में लिखो, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इशू ये एक साथ हो रहा है ट्रांजेक्शन पूरा, डन। उसके बाद चलो बेटा नेक्स्ट केस देखो क्या दिया है आगे, केस नंबर थ्री पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। आर लिमिटेड इशूज 5,012% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडमेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। बच्चों इशू किया है डिस्काउंट और रिडम्पशन होने वाला है एट प्रीमियम। चलो देखो मैं अभी एंट्री कर लेता हूँ, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट केस नंबर थ्री। क्या नाम था कंपनी का? आर लिमिटेड, पेज नंबर 9.2। बच्चों ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिट, पहले मैं वही अभी जैसे मैंने किया था, पहले इशू से रिलेटेड किस्सा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद रिडम्पशन से रिलेटेड देखूंगा। सो इशू कैसे किया है? एट 5% डिस्काउंट, सो बैंक अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ डिबेंचर 5,000 इंटू 5% डिस्काउंट है बच्चों, यानी कितना आया होगा 5% डिस्काउंट। बच्चों यहाँ पे डिबेंचर्स कितने का है रे बाबा, एक का फेस वैल्यू कितना दिया है 1,000 रुपये, तो 1,000 के ऊपर 5%, 1,000 इंटू 5% कितना 50 रुपये है क्या, यानी 950 रुपये, 5,000 इंटू 950 कितना है रे बाबा 47,50,000 रुपीज़ डिस्काउंट दिया हमने आज, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितने का डिस्काउंट दिया 5,000 इंटू 1,000 रुपये पे 5% है 50,
यानी कितने का डिस्काउंट दिया, 2,50,000 का। एक लाइन का स्पेस दे रहा हूँ बच्चों, टू डिबेंचर का नाम क्या था, 12%, टू 12% डिबेंचर। डिबेंचर में तो हर बार फेस वैल्यू जाएगा, सो लिख दो फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। ये हो गया इशू के समय का एंट्री खत्म। देखो हैशटैग वाला किस्सा खत्म हो गया, ये हैशटैग वाली एंट्री खत्म, बरोबर है। अब रिडम्पशन के समय है क्वेश्चन, बता रिडम्पशन कैसे हो रहा है, रिडम्पशन के समय नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को आज ही रिकॉग्नाइज करो, लेकिन रिडम्पशन के समय अगर फायदा हो रहा है तो उस फायदे को आज रिकॉग्नाइज मत करो, क्योंकि कंजर्वेटिज्म कहता है फ्यूचर में होने वाला फायदा आज रिकॉग्नाइज मत करो, लेकिन फ्यूचर में होने वाला नुकसान आज ही रिकॉग्नाइज कर दो। सो मैं पूछ रहा हूँ इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन बता फ्यूचर में नुकसान हो रहा है क्या। हाँ देखो बेटा पॉइंट नंबर थ्री, केस थ्री पढ़ रहा हूँ, रिडम्पशन हो रहा है एट प्रीमियम ऑफ 10%। प्रीमियम 10% है सर, वो प्रीमियम 10% कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करना है, पहले बताया था प्रीमियम डिस्काउंट सब फेस वैल्यू पे लेना है, यहाँ फेस वैल्यू है 50 लाख रुपए, फेस वैल्यू कितना है 50 लाख, 50 लाख का 10% 5 लाख रुपीज़। सो फ्यूचर में 5 लाख ज़्यादा देना है, नुकसान होने वाला है, उस नुकसान को आज रिकोगनाइज कर रहा हूँ, उस नुकसान को आज रिकोगनाइज कर रहा हूँ। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितना, 5 लाख रुपये, और ये पे करना है क्या इन फ्यूचर, यस पे करना है। सो टू प्रीमियम, प्रीमियम पेएबल अकाउंट, टू प्रीमियम पेएबल अकाउंट कितना पे करना है, 5 लाख रुपए, ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया। देखो ये सर्कल जो किया हुआ है ये रिलेटेड टू रिडम्पशन है, वाइट कलर के पेन में जो लिखा है, और जो येलो कलर के पेन में हैशटैग है वो क्या बेटा, रिलेटेड टू इशू है। देखने वाले को ऐसा लगेगा पूरी पूरी एंट्री एक साथ लिखी है, लेकिन हमने इशू का किस्सा रिकॉर्ड किया और उसके साथ साथ रिडम्पशन का किस्सा भी रिकॉर्ड कर दिया। सर रिडम्पशन अगर एट डिस्काउंट हो रहा है, रिडम्पशन के समय एट डिस्काउंट हो रहा है रिडम्पशन, तो हमारा फायदा हो जाएगा। हाँ जिस प्रकार से रिडम्पशन एट प्रीमियम हमारा नुकसान, रिडम्पशन एट डिस्काउंट हमारा फायदा, तो फ्यूचर में होने वाले फायदे को हम लोग आज रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन फ्यूचर में अगर नुकसान हो रहा है तो हमें आज ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, सिंपल है। चलो आगे, ये थी आपकी केस नंबर थ्री। सर एंट्री क्या लिखना है यहाँ पे, कुछ नहीं बेटा, वही क्वेश्चन में जो सर नरेशन क्या लिखना है, वही जो क्वेश्चन में दिया है वो नरेशन लिख दो। कंपनी हैव इशूड 5,000 डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडमेबल एट प्रीमियम आफ्टर 5 ईयर्स एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। सो कॉपी पे सेम सेंटेंस। चलो आगे केस फोर, ध्यान देना बेटा सभी ने, केस फोर लिखो, केस फोर। चलो केस पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। एस लिमिटेड इशूड 5,000 13% डिबेंचर एट ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% एंड रिडम्पशन एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। बेटा इशू एट प्रीमियम था और रिडम्पशन भी एट प्रीमियम है, चलो ठीक है अभी देख लेते हैं। अच्छा हमने जो केस नंबर थ्री देखा है ना, ये केस थ्री में काफ़ी बार आपको ऐसा दिखेगा, काफ़ी सारी किताबों में ये दोनों को भी, काफ़ी सारी किताबों में क्या बोला जाता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितना दिखाएंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, 7,500,000 रुपये का। इन दोनों अमाउंट को कंबाइन करके एक साथ भी दिखा सकते हैं 7,500,000 रुपये। तो वो 7,500,000 का बाइफर्केशन क्या है, उसमें 2,50,000 रुपये डिस्काउंट है और 5,00,000 रुपये क्या है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है। बट काफ़ी सारी किताबों में डिस्काउंट को भी लॉस बोलते हैं, लॉस को भी लॉस बोलते हैं, यानी दोनों के लिए क्या लिखा रहेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 7,50,000, ऐसा भी हो सकता है, तो घबराना बिल्कुल मत। सो ऐसा भी चलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 47,50,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 750, टू डिबेंचर 50 लाख, टू प्रीमियम पेएबल 5 लाख, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, डन। चलो बेटा केस नंबर फोर, केस फोर में क्या है, इशूड एट प्रीमियम है और रिडमेबल भी एट प्रीमियम है। चलो अभी सॉल्व करता हूं, ध्यान देना, केस फोर लिख रहा हूं, केस फोर नीचे लिखता हूं, केस फोर ध्यान देना। केस फोर में कंपनी का नाम है एस लिमिटेड, क्या बोला है बेटा यहां पे, इशूड एट प्रीमियम। पहले इशू से रिलेटेड किस्सा लिख रहा हूं, ध्यान देना बेटा, आपने पहले इशू से रिलेटेड किस्सा लिख रहा हूं, बैंक अकाउंट कितने डिबेंचर्स है 5,000 इंटू इशूड एट प्रीमियम है बच्चों इंटू 105, पैसा कितना आया 105, सो 5,000 इंटू 105 कितना आया रे बाबा 52 लाख, 5,25,000, 5,25,000, टू एक लाइन का स्पेस दिया मैंने, टू डिबेंचर का नाम क्या है 13% डिबेंचर्स, फेस वैल्यू आएगा यहाँ पे हर बार 5,00,000 रुपये, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों,
अरे बाबा, डिबेंचर इशू किया एट प्रीमियम। प्रीमियम पे जब भी कोई कंपनी सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी, चाहे शेयर्स हो चाहे डिबेंचर हो, जब भी कोई कंपनी कोई उसकी सिक्योरिटीज़ इशू करती है एट प्रीमियम, तो अमाउंट कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। सो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना आ जाएगा? 25,000 रुपये। ये इशू के समय का किस्सा ख़त्म, हैशटैग वाला काम हमारा हो गया। अब मैं लिख रहा हूँ बेटा, अमाउंट एंट्रीज एट अ टाइम ऑफ रिडम्पशन। सो साथ में लिखना है, साथ में लिखना है। रिडम्पशन कैसे हो रहा है? एट 5%, एट 5%। रिडम्पशन कैसे हो रहा है बेटा, देखो ध्यान देना, सॉरी, रिडम्पशन हो रहा है 10% प्रीमियम, यानी हमें आज ही पता है कि फ्यूचर में 10% का नुकसान है। वो प्रीमियम किसके ऊपर निकालना है? फिर से फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितना है? 5 लाख। 5 लाख का 10% 50,000। सो हमारा नुकसान है फ्यूचर में, लेकिन उसे मैं आज रिकॉग्नाइज करूंगा। क्यों? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। सो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितना लॉस हुआ? 50,000 रुपये। टू, ये पे करना है क्या इन फ्यूचर? टू प्रीमियम पेएबल, प्रीमियम पेएबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, कितना? 50,000 रुपये। चलो बेटा इसको मार्क कर लो, देखो सर्कल मार्क कर दिया। एग्जाम में ऐसी मार्किंग मत करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जो मैंने व्हाइट कलर के पेन में लिखा है वो रिडम्पशन से रिलेटेड नुकसान है, जो येलो कलर में लिखा है वो इशू से रिलेटेड एंट्री है। बहुत आसान था, पक्का? चलो आगे, ये था आपका क्वेश्चन नंबर टू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, प्लीज़ ध्यान देना बच्चों। कंपनी इशूड, क्वेश्चन नंबर थ्री कहाँ गया रे? हाँ, ये कंपनी इशूड 12% डिबेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹2 लाख एट 10% डिस्काउंट ऑन 1st of January 2010। डिबेंचर्स इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स एट 10% वॉज पेएबल ऑन 30th June एंड 31st of December। ऑल द डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स एट 5% प्रीमियम, यानी रिडम्पशन एट 5% प्रीमियम हो रहा है बच्चों। आगे देखो और क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अभी पास कर लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, ध्यान देना आपने। सो कहाँ पास करूँ? यहीं पास कर लूँ? लिखो फिर क्वेश्चन नंबर थ्री, पेज नंबर 9.2। क्या नाम था कंपनी का? अ कंपनी नाम दिया नहीं है, बस आंसर को लावारिस नहीं रखना है, नाम देना है बेटा उसको कुछ तो। चलो आगे। सो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बोला है, लिख लेता हूँ मैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। डेट दिया है क्या? चेक करो, डेट दिया है कब इशू किया? यस, डेट दिया है बेटा 1st of January 2010 को। ठीक है, डिबेंचर इशू किया था एट डिस्काउंट, और डिबेंचर इंटरेस्ट कितना था रे बाबा? डिबेंचर इंटरेस्ट था, जो डिबेंचर का नाम है 12%, 12% डिबेंचर इंटरेस्ट है। अभी पास करता हूँ सारी एंट्रीज, लो बेटा। सो सबसे पहला एंट्री कब रहेगा? 1 जनवरी 2010 का। डिबेंचर इशू किया है हमने, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना डिबेंचर इशू किया है? फेस वैल्यू दिया है 2 लाख रुपीज़, लेकिन इशू कैसे किया? एट 10% डिस्काउंट। सो 2 लाख का 10% डिस्काउंट 20,000, यानी मिला कितना होगा? 1,80,000 रुपये। सो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज़। और रिडम्पशन कैसे होने वाला है? एट 5% प्रीमियम होने वाला है, यह मैं बता, एक लाइन का स्पेस दे रहा हूँ। टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट कितना है? फेस वैल्यू 2 लाख रुपीज। ये हो गया इशू से रिलेटेड किस्सा। अब हमें आज ही पता है कि इसका रिडम्पशन फ्यूचर में जो होगा उस समय हमारा लॉस होने वाला है। कितना? 5% का, क्योंकि बोला क्या बेटा, रिडम्पशन होने वाला है एट 5% प्रीमियम, तो मैं उस लॉस को आज रिकॉग्नाइज कर देता हूँ। सो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितना लॉस है? 10 कितना? 5% है प्रीमियम। सो 5% प्रीमियम पर रिडम्पशन होने वाला है, यानी 5% का लॉस है, यानी 2 लाख का 5%, 10,000 रुपये का नुकसान है। टू, ये देना है इन फ्यूचर में। टू प्रीमियम पेएबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन अकाउंट, कितना? 10,000। सो ये हो गया आपका पहला वाला एंट्री। नरेशन लिखो बेटा, डिबेंचर्स वर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5% एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। बराबर है, कुछ नहीं, नरेशन इज नथिंग बट अ शॉर्ट एंड स्प्लिट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। डन, ये हो गया पहला वाला एंट्री। हमें जर्नल एंट्रीज बोला है ना पूरे क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं। दूसरी एंट्री पास कर रहा हूँ। देखो बेटा, अब आगे 1 जनवरी के बाद क्या हुआ है, कुछ बोला तो नहीं है, डायरेक्टली आ जाओ 30 जून को। 30 जून को कंपनी क्या देती है? इंटरेस्ट। देखो अगला सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, दूसरे लाइन में, डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स ऑफ 10% वॉज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31st of December। सो नेक्स्ट एंट्री रहेगा आपका 30th जून 2010।
क्या नाम रहेगा उसका, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड, डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना है बेटा। कितना डिबेंचर इंटरेस्ट है, जो डिबेंचर का नाम है, क्या नाम है, 12%। सो इंटरेस्ट कितना है, 12%। सो 12% इंटरेस्ट निकालो। सर इंटरेस्ट किसके ऊपर लेना है, फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू 2 लाख है, 2 लाख का 12% 24,000, लेकिन साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहे हैं, 6-6 महीने का रहेगा, यानी कितना, आधा 12,000 रुपये। सो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज टू बैंक अकाउंट टू। सर पूरा 12,000 रुपये देना है क्या, नो, उसमें से TDS भी तो डिडक्ट करना है। सो 12,000 के ऊपर 10% TDS कितना आता है, 1,200 रुपये। वो TDS किसे पे करना है, गवर्नमेंट को, टू TDS पेएबल, टू TDS पेएबल कितना है 1,200, बचा कितना 10,800। सो नरेशन लिखो बेटा, डिबेंचर इंटरेस्ट इंटरेस्ट पेड एंड TDS ड्यू टू गवर्नमेंट। डिबेंचर इंटरेस्ट पे कर दिया, TDS अभी भी देना बाकी है। चलो आगे, उसके बाद 30 जून को ही तुरंत में हम लोग TDS पे कर देते हैं। सो TDS पेएबल, TDS पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। TDS कितना पे करना था, 1,200, 10% बोला था ना बच्चों। नरेशन लिख दो, TDS अमाउंट ऑफ TDS पेड टू द गवर्नमेंट, चलान के थ्रू हमने पे कर दिया होगा। सो 30 जून का इंटरेस्ट ड्यू करके पे कर दिया, TDS ड्यू करके पे कर दिया। सर इंटरेस्ट हमने डायरेक्टली पे कर दिया तो चलेगा क्या, चलेगा। देखो हमने भी डायरेक्टली पे किया, डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक। सर इंटरेस्ट का खर्चा आपने 12,000 दिखाया लेकिन पे 10,800 किया, क्योंकि डिबेंचर होल्डर के भी आप में TDS हमने पे किया ना गवर्नमेंट को, बोला है ना 10% TDS रहेगा, यस। उसके बाद 30 जून के बाद अगला कोई एंट्री, अगला कोई डेट, अब कोई ट्रांजेक्शन दिया है क्या, चेक करो। 30 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, डायरेक्टली 31 दिसंबर के इंटरेस्ट का एंट्री अभी कर देता हूँ। सो फोर्थ एंट्री 31st of December 2010, सेम एंट्री सेकेंड और थर्ड नंबर का कॉपी पेस्ट अभी कर लेता हूँ। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू TDS पेएबल, सेम एंट्री कॉपी पेस्ट, 12,000, क्योंकि पहले 6 महीने का दिया, बाद में 6 महीने का, साल भर का इंटरेस्ट 24,000, कंपनी साल में 2 बार दे रही है, 12,000, 10,800 और 1,200। सेम नरेशन, सेम डे को मैं TDS पे कर रहा हूँ। सर TDS पे करने का तो बोला नहीं है, बट बेटा आपको बगैर बोले समझना पड़ेगा, TDS क्या खुद के जेब में थोड़ी रख सकते, वो तो गवर्नमेंट का है, देना पड़ेगा। TDS पेबल टू बैंक अकाउंट 1,200, ये TDS मैंने पे कर दिया। साल खत्म हो गया, साल के आखिरी की फॉर्मेलिटीज पूरी करो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला नहीं है, लेकिन आपको बगैर बोले समझना पड़ेगा कि साल के आखिरी में जो भी डिबेंचर इंटरेस्ट है P&L में ट्रांसफर करना है। साल के आखिरी में अगर इस केस में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अगर है तो उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। हमने थोड़ी देर पहले देखा था लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हम लोग क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, तो वो भी हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी कर लेते हैं। उसके बाद सो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर देखो कितना है, यहाँ पे डिस्काउंट ये भी लॉस है, लॉस ये भी लॉस है। सो टोटल लॉस कितना है, 20 + 10 = 30,000, और डिबेंचर का यहाँ पे लाइफ कितना है, टोटल 5 ईयर्स है। सो 30,000 को 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी हर साल 6,000। सो ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 20,000 को 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट किया 4,000, और ये 10,000 को 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट किया हर साल 2,000। सो 4 और 2 यानी हर साल कितना राइट ऑफ होगा, 6,000 रुपये, वो भी हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, अभी कर लेते। सो बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले साल के आखिरी की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ। 31st December 2010 डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा हूँ P&L में। सो P&L अकाउंट विल बी डेबिटेड टू डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट कितना था पूरे साल भर का, 24,000। नरेशन लिखो, डिबेंचर इंटरेस्ट वर ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। डिबेंचर इंटरेस्ट मैंने P&L में ट्रांसफर कर दिया, सिंपल। उसके बाद बच्चों अब ध्यान देना, ये जो लॉस हुआ है हमारा, ये जो लॉस हुआ है, लॉस कितने का है, टोटल लॉस है 30,000 का। इस लॉस को हमें राइट ऑफ करना है ओवर द टेन्योर ऑफ डिबेंचर। सर ये लॉस राइट ऑफ करना जरूरी है क्या, हाँ, ये लॉस फिक्टिशियस असेट है, इसे तो राइट ऑफ करना ही पड़ेगा।
सर राइट ऑफ कैसे करेंगे? देखो वैसे ही जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, इन द रेशो ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर, अब यहाँ पे पूरा का पूरा रिडम्शन डिबेंचर का 2 लाख का एक साथ हो रहा है एट द एंड ऑफ 5th ईयर, यानी हर साल कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, यानी हर साल अमाउंट आउटस्टैंडिंग सेम है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग हर साल सेम है, तो मतलब यहाँ पे हर साल लॉस जो राइट ऑफ होगा वो भी सेम रहेगा, यानी इक्वल रेशो में। सो रेशो क्या हो गया, इक्वल। सो ध्यान देना, सो इस 20,000 को मैं राइट ऑफ कर रहा हूँ इक्वल रेशो में 5 साल, यानी कितना आ गया 4,000 रुपये। 10,000 को 5 साल में राइट ऑफ करना है, यानी हर साल कितना आ गया 2, सो 4 और 2 कितना आया 6,000 रुपये राइट ऑफ करना है हर साल। चलो राइट ऑफ का एंट्री पास करता हूँ। सर राइट ऑफ करना मतलब P&L के डेबिट में ट्रांसफर करना, अभी कर देते हैं। सो 31st of December 2010 P&L अकाउंट विल बी डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, पहले डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर रहा हूँ, और टू लॉस को पहले डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर रहा हूँ। डिस्काउंट कितना है 4,000 हर साल, लॉस का हर साल 2,000, टोटल कितना राइट ऑफ किया 6,000। नैरेशन लिखो बेटा, इसका नैरेशन लिखना है आप सभी ने मेरे साथ साथ लिखो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स वर रिटन ऑफ इन द रेशो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। बराबर, एक बार वापस बोलूँ, लॉस एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स वर राइट ऑफ इन द रेशियो ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। सिंपल है, चलो आगे। उसके बाद ये पहले साल की एंट्रीज हो गई, ये सारी एंट्रीज कंटिन्यू चलती रहेगी, कब तक, 5 साल तक, और आखिरी साल में डिबेंचर्स का रिडम्शन होने वाला है। तो ये दूसरे तीसरे और चौथे साल में, तीनों साल में ये सारी एंट्री कॉपी पेस्ट, 5वें साल में भी सारी एंट्री कॉपी पेस्ट, और लास्ट ईयर में कुछ एंट्रीज एक्स्ट्रा आएगी, वो कौन सी, रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स की। अभी कर लेता हूँ। सर ये फिर एंट्री हमें लिखना है क्या 5-4 साल की, और नहीं बेटा, बेल मेहनत करने का काम नहीं है, डायरेक्टली मैं रिडम्शन की एंट्री पास कर रहा हूँ एट द टाइम ऑफ। सर एग्जाम में भी नहीं लिखना है, नहीं बेटा एग्जाम में भी लिखने का काम नहीं, एग्जाम में भी पहले साल की एंट्रीज पास कर दो, उसके बाद डायरेक्टली आप भी लिखो एट द टाइम ऑफ रिडम्शन। सो एट द टाइम ऑफ रिडम्शन, रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स, चलो मैं रिडम्शन कर रहा हूँ। रिडम्शन कैसे हो रहा है ध्यान देना है, क्वेश्चन में लिखा है रिडम्शन हो रहा है एट 5% प्रीमियम, ठीक है अभी कर लेते हैं। एट 5% प्रीमियम लिखो बेटा, फिर यहाँ पे क्या नाम था डिबेंचर का, 12%, 12% डिबेंचर्स अकाउंट। अब डिबेंचर का रिडम्शन हो रहा है तो डिबेंचर को डेबिट करो, क्योंकि इशू करते समय डिबेंचर को 12% डिबेंचर को क्रेडिट किया था, रिडम्शन के समय 12% डिबेंचर्स को डेबिट करो, अभी डेबिट कर दिया बेटा। कितने का रिडम्शन हो रहा है, पूरे के पूरे डिबेंचर्स का फेस वैल्यू, लेकिन वापस देना कितना है इनको, डिबेंचर होल्डर्स को देना है, डिबेंचर होल्डर्स को देना है रिडम्शन पे जो प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, 5% एक्स्ट्रा देना है। आखिरी लाइन में लिखा है रिडम्शन एट 5% प्रीमियम, 2 लाख का 5% कितना होता है 10,000। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ टू डिबेंचर होल्डर्स इनको देना कितना है 2,10,000, टू डिबेंचर होल्डर्स देना कितना है 2,10,000। सो डिबेंचर कैंसिल हो गए 2 लाख के, लेकिन उन्हें देना है, जब भी किसी पार्टी या पर्सन को कुछ देना है तो उसका अकाउंट क्रेडिट करो, टू डिबेंचर होल्डर 2,10,000। सर वो 10,000 क्या है, देखो बेटा सबसे पहले एंट्री में हमने प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट किया था, अब समय आ गया है कि उस प्रीमियम पेबल को खत्म करो, रिडम्शन कर रहे हैं ना हम लोग। देखो पहले एंट्री में मैंने क्या लिखा था, टू प्रीमियम पेबल 10,000, अब एक्चुअल में रिडम्शन कर रहा हूँ, तो अब ये प्रीमियम पेबल नाम की लाइबिलिटी खत्म हो रही है, लाइबिलिटी खत्म हो रही है तो इस लाइबिलिटी को डेबिट करो। सो पहले क्रेडिट किया था अब डेबिट कर रहा हूँ, सो प्रीमियम पेबल, पेबल अकाउंट विल बी डेबिटेड कितना 10,000 रुपये। सर नरेशन क्या लिखेंगे, 12% डिबेंचर्स वर कैंसल्ड और रिडीम्ड एंड अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स। सर अमाउंट ड्यू टू मतलब देना बाकी है क्या, यस देखो क्रेडिट किया, अब मैं दे देता हूँ डिबेंचर होल्डर्स, DH यानी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक अकाउंट, ये देखो मैंने डिबेंचर होल्डर्स को पैसा दे दिया है। नरेशन लिखो फाइनल सेटलमेंट, नरेशन लिखना बेटा फाइनल सेटलमेंट, ये इतनी आपने एंट्रीज पास करना है, कुछ था बेटा इसमें, बहुत आसान है, चलो आगे। डिबेंचर ओके, सो नेक्स्ट, डिबेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी एंड अदर देन कैश। बच्चों वहाँ पे हो क्या रहा है, हमने डिबेंचर को इशू किया है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी,
डिबेंचर को इशू किया एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब यहाँ पे कंपनी ने डिबेंचर का ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं किया है, डिबेंचर को गारंटी के तौर पे एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी हमने इशू किया है, ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने किसी बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का, बैंक वालों ने गारंटी के तौर पे कंपनी से डिबेंचर लिए, यहाँ पे बैंक वालों के पास पहले ही दिन से ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ। इन केस कंपनी लोन रिपे नहीं करती है तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी, लेकिन जिस दिन डिबेंचर इशू किया उस दिन क्या भूल के इशू किया था, एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। ये समझ में आया सभी को? सो डिबेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे हमने लोन लिया, हमने लोन लिया और गारंटी के तौर पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया है, सेल नहीं किया है, हमने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी गिरवी रखा है, डिबेंचर्स को गिरवी रखा है बेटा। तो सर यहाँ पे एंट्री क्या रहेगी? पहली बात, कोलेटरल सिक्योरिटी की कोई एंट्री आती नहीं है, ध्यान दो बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी के पास ये मेरा वॉच गिरवी रख करके उससे पैसे उधार लिए, तो बताओ वॉच अकाउंट कहीं पे डेबिट क्रेडिट होने वाला है क्या? नो, क्योंकि ये कोलेटरल सिक्योरिटी है, गारंटी के तौर पे दिया है। नरेशन में जरूर लिख के रखूंगा कि एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी वॉच दिया था, मैंने किसी से पैसा उधार लिया 10,000 रुपये और ये 18,000 रुपये की वॉच मैंने गिरवी रखा। बोलो एंट्री क्या रहेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम पर्सन अकाउंट 10,000, 10,000, ये 18,000 के वॉच का कहीं पे एंट्री आएगा नहीं। सो कोलैटरल सिक्योरिटी का वैसे तो एंट्री आता नहीं है। सो केस ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन एंट्री करने का काम नहीं, किसका? कोलैटरल सिक्योरिटी का। दूसरा ऑप्शन, अगर इच्छा है ही एंट्री करने की तो एंट्री ये करेंगे हम लोग, एंट्री ये करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वॉच अकाउंट। देखो लोन लिया वो तो एंट्री आने वाला है, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन 10,000, 10,000, मैंने किसी से 10,000 का लोन लिया, कैश टू लोन 10,000। अब दूसरा एंट्री कोलैटरल सिक्योरिटी का तो एंट्री आएगा नहीं, बट फिर भी अगर किसी को करना है तो दूसरा एंट्री ये रहेगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वॉच अकाउंट। सर डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी दिया तो क्या एंट्री रहेगा दूसरा वाला? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। लोन का एंट्री तो सेम रहेगा लेकिन कोलैटरल सिक्योरिटी का वैसे तो एंट्री आएगा नहीं, लेकिन करना है तो सस्पेंस टू दैट पर्टिकुलर असेट, और सस्पेंस टू अगर डिबेंचर दिया तो टू डिबेंचर अकाउंट। सिंपल है, एक बार ध्यान देना, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान दो बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 4, अमन लिमिटेड मेड द फॉलोइंग इशू ऑफ डिबेंचर्स, 6,009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर कैश एट 10% डिस्काउंट। ये पहली वाली केस थी, हमने डिबेंचर इशू किया टू बैंक फॉर अ लोन ऑफ ₹7 लाख एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ये दूसरी केस थी। और तीसरा, अमन लिमिटेड ऑल्सो परचेस अ बिल्डिंग एंड मशीनरी वर्थ ₹5,40,000 एंड ₹4,60,000 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम बामन लिमिटेड, द परचेस कंसिडरेशन वॉज सेटल्ड एट ₹9,50,000 टू बी सेटिस्फाइड बाई इशू ऑफ 9,500 15% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। ऊपर के तीनों केस में आपने एंट्रीज पास करना है। चलो ध्यान देना बेटा, मैं एंट्रीज अभी कर रहा हूँ, ठीक से ध्यान दे दो। सो क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 9.2, ठीक से ध्यान देना बेटा। आपने लिखो इन द बुक ऑफ अमन लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज, तो मैंने लिख दिया अमन लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, डन। ध्यान देना, पहली वाली केस पढ़ रहा हूँ, 6,009% डिबेंचर इशू किया था ऑफ ₹100 ईच एट फॉर कैश एट 10% डिस्काउंट। पहली केस की एंट्री ऐसे रहेगी, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। नरेशन लिख दो, डिबेंचर्स वर इशूड एट डिस्काउंट, अमाउंट लिख लेता हूँ, अमाउंट कितना है 6,000 इंटू 10% डिस्काउंट है यानी 90, क्या 6,000 इंटू 90 कितना आया 5,40,000, 60,000 का डिस्काउंट हो गया और टोटल फेस वैल्यू कितना है 6 लाख रुपीस। केस वन का एंट्री खत्म। नरेशन लिख देना, डिबेंचर्स वर इशूड एट 10% डिस्काउंट। उसके बाद ध्यान देना बेटा आगे और दिया है, अमन लिमिटेड ने फिर से सेकेंड केस में डिबेंचर इशू किया है टू बैंक फॉर अ लोन ऑफ ₹7 लाख। लोन कितने का लिया है सेकेंड केस में? पहली एंट्री, पहले लोन का एंट्री कर देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन कितना है 7 लाख, सेवन लाख। नरेशन बहुत सिंपल रहेगा, लोन टेकन फ्रॉम
बैंक, सिंपल है, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अब इसी में अब अगर किसी ने पूछा कि सर वो जो डिबेंचर इशू किया एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, उसका एंट्री क्या रहेगा? पहली चीज, वैसे तो कोलेटरल सिक्योरिटी का एंट्री नहीं आता है, बट फिर भी अगर आपको बोला कि एंट्री पास करना है तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे? सस्पेंस अकाउंट डिबेंचर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। बहुत आसान है, चलो फटाफट से ध्यान देना बेटा। सो लिख लेता हूं मैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, डिबेंचर का नाम क्या है देखो जरा, डिबेंचर का नाम क्या है यहाँ पे, जो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया है, कुछ बोला है क्या? नो। तो टू डिबेंचर अकाउंट, कितने के डिबेंचर इशू किया है बेटा हमने? 10,000 इंटू रुपीज 100, यानी कितना आ गया? 10 लाख रुपए। कितना है? 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर दिया। सर क्या हमने डिबेंचर की ओनरशिप ट्रांसफर किया है क्या? नो, हमने सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दिया है। सर यहाँ पे सस्पेंस क्यों लिखा? और क्या लिखता? हमने डिबेंचर बेचा थोड़ी है, कुछ मिला थोड़ी उसके बदले। सर लोन मिला ना? अरे बाबा, लोन का तो अलग एंट्री है, लोन का अलग एंट्री है। मैंने यहाँ पे डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दिया, वैसे तो एंट्री आएगा नहीं, बट फिर भी आपको करना है तो ये एंट्री आप कर सकते हो, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर अकाउंट। बराबर है सर? नरेशन क्या लिखना है? वही, डिबेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड केस डन, पहली दो केस हो गई हमारी, अब थर्ड केस देखते हैं। क्या बोला बेटा यहाँ पे? अमन लिमिटेड ऑल्सो परचेज अ बिल्डिंग एंड मशीनरी वर्थ रुपीज 5,40,000 एंड 4,60,000। ओके बेटा, अमन लिमिटेड ने बिल्डिंग और मशीन परचेज किया है 5,40,000 और 4,60,000 का। किससे लिया है? फ्रॉम बामन लिमिटेड। द परचेज कंसिडरेशन वॉज सेटल्ड, पीसी हमने पे कर दिया है, जो भी हमने बिल्डिंग और मशीन के लिए जो पैसा देना था वो हमने पे कर दिया है। किस फॉर्म में पे किया है? ध्यान देना, किस फॉर्म में पे किया है? टू बी सेटल्ड एट रुपीज, सॉरी, वॉज सेटल्ड एट रुपीज 9,50,000, यानी 9.5 लाख रुपए हमने दे दिए। किस फॉर्म में दिया है? टू बी सेटिस्फाइड बाई इशू ऑफ 9,500, 9,500, 15% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 इच। बच्चों मतलब यहाँ पे हमने बिल्डिंग और मशीन परचेस किया है और परचेस कंसिडरेशन पे किया है इन द फॉर्म अदर देन कैश, मतलब हमने यहाँ पे डिबेंचर के फॉर्म में पेमेंट किया है बेटा, कंसिडरेशन हमने कैश में पे नहीं किया है। सो एंट्री क्या रहेगी? बड़ी आसान है बेटा, एक बार ध्यान देना। बिल्डिंग और मशीन हमने परचेस कर लिया है, हमारे पास बिल्डिंग और मशीन आ गई है, सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट लिखना है बेटा आपने। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5,40,000, कितने का बिल्डिंग है चेक करना जरा, बिल्डिंग कितने का है? 5,40,000। मशीन कितने का है? 4,60,000। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5,40,000 लिखो बेटा, मशीन अकाउंट डेबिट 4,60,000। ओके सो कितना हो गया टोटल? 10 लाख। लेकिन बदले में हमने क्या दिया? 2,15% डिबेंचर्स अकाउंट, लिखना बेटा आपने 2,15% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने के डिबेंचर्स दिए हमने? 9,500 डिबेंचर इंटू 100, यानी 2,15% डिबेंचर कितना आ गया? 9.5 लाख रुपए, 9,500 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपीज पर डिबेंचर। सो असेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, टोटल कितना है? 5,40 और 4,60, 2 डिबेंचर 9,50,000। सर ये तो ऐसा हो गया कि हमने 10 लाख रुपए की असेट लिया और बदले में सिर्फ 9.5 लाख रुपए के डिबेंचर दिया। हाँ बेटा, 50,000 का फायदा हो गया, फायदा हो गया, फायदे का क्रेडिट बैलेंस, फायदा बढ़ता है तो फायदे को क्रेडिट करो। सो लिखो टू फायदा अकाउंट, आई मीन टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सर कैपिटल रिजर्व क्यों? रेवेन्यू रिजर्व क्यों नहीं? क्योंकि बेटा ये कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे जो भी फायदा होगा वो कैपिटल प्रॉफिट रहेगा, एंड कैपिटल प्रॉफिट मस्ट बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो फुल एंड फाइनल में एंट्री बता रहा हूँ, ध्यान देना। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5,40,000, मशीन अकाउंट विल बी डेबिटेड 4,60,000 टू डिबेंचर्स अकाउंट 9,15,000, 9,50,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 50,000। एक बार ध्यान देना, ये ऐसा आपका एंट्री रहेगा। बच्चों ध्यान देना बेटा, अमन लिमिटेड के बुक में थर्ड केस चल रहा था, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, 2,15% डिबेंचर, 9,500 डिबेंचर एट द रेट 100, और फायदा जो हुआ वो कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर दो, कितना? 50,000 रुपये। ये रहेगा आपका एंट्री, सिंपल था। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, 5 में क्या दिया है ध्यान देना आप सभी ने। सो क्वेश्चन नंबर 5, परचेस ऑफ डिबेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, दिख रहा है बेटा आप सभी को पेज नंबर 9.3। बच्चों ध्यान देना,
ऑन 1 जनवरी 2014 NSHM लिमिटेड हैड आउटस्टैंडिंग इन इट्स बुक्स 1012% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो और क्या दिया है। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30th जून, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30th जून एंड 31st ऑफ डिसंबर इन अकॉर्डेंस विद द पावर इन द डीड। ओके, इंटरेस्ट कंपनी साल में दो बार पे करी, एक बार 30 जून को और एक बार 31 दिसंबर को, यानी एक बार 6 महीने का, अगली बार फिर से 6 महीने का, यानी साल में दो बार इंटरेस्ट पे किया जा रहा है 6 6 महीने का। आगे देखो और क्या दिया है। द डायरेक्टर्स अक्वायर्ड इन द ओपन मार्केट डिबेंचर्स फॉर इमीडिएट कैंसलेशन। सर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कंपनी के डायरेक्टर्स ने ओपन मार्केट से डिबेंचर परचेस किए, मतलब कंपनी अपने खुद ही के डिबेंचर परचेस कर रही है ओपन मार्केट से। सर क्यों? फॉर द पर्पज ऑफ इमीडिएट कैंसलेशन, इमीडिएट कैंसिल करने के लिए कंपनी खुद ही के डिबेंचर्स परचेस कर रही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कब कब परचेस किया एक बार ध्यान देना, 2014 1st ऑफ मार्च 10,000, ये कुछ नहीं है, मतलब ये क्या दिया है बच्चों, फेस वैल्यू। ये क्या है, फेस वैल्यू, लिख लेना आपके पास फेस वैल्यू। सो 10,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर कितने में लिया, एट द रेट ₹98 पर डिबेंचर, और वो भी कैसे, कम इंटरेस्ट। सर कम इंटरेस्ट मतलब क्या बेटे, ये 98 में ही डिबेंचर के लिए भी पैसा दिया है और ये 98 में ही इंटरेस्ट का भी पैसा दिया है। सर समझा नहीं, एक बार फिर से बता दो, ध्यान देना बच्चों, गौर करना जरा, ये कब परचेस किया है, 1 मार्च को। मैं कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट क्या होता है वो बता रहा हूँ, ठीक से ध्यान देना। ये कब परचेस किया, 1 मार्च 2014 को। कितने के फेस वैल्यू के डिबेंचर खरीदे, 10,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर। कितने में खरीदा, एट द रेट ₹98 पर डिबेंचर, और वो 98 में इंटरेस्ट का अमाउंट भी इंक्लूडेड है, कम इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड है। तो ध्यान देना यहाँ पे, एक बार मैं आपको वर्किंग नोट नंबर 1 बना के दिखा रहा हूँ। सर यहाँ पे वर्किंग नोट क्यों बनाना है बेटा, वो 98 में इंटरेस्ट भी है और डिबेंचर का भी पैसा है, तो आपको जुदा करना है दोनों को, इंटरेस्ट का अमाउंट अलग डिबेंचर का अलग। तो मैं लिख रहा हूँ बेटा सॉल्यूशन यहाँ पे, वर्किंग नोट नंबर 1 पहले मैं सिर्फ इसके बारे में बात करता हूँ, 1 मार्च को जो ट्रांजेक्शन हुआ। सो फटाफट से मेरे साथ लिखो, कहाँ लिखूँ अब मैं, एक काम करता हूँ पेज चेंज कर रहा हूँ, ये पेज चेंज कर देता हूँ, आ जाओ यहाँ पे। हाँ नोट्स है आप सभी के पास में, नोट्स में पेज नंबर 9.3 क्वेश्चन नंबर 5। ओके ध्यान देना क्या दिया बेटा यहाँ पे, वर्किंग नोट नंबर 1 लिख रहा हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1 लिख रहा हूँ। कब खरीदा था, 1 मार्च को। अब प्लीज़ 2 मिनट के लिए बोर्ड पे ध्यान दे दो, इधर उधर ध्यान बिल्कुल नहीं देना बेटा आपने। देखो मैं साइड में एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। कंपनी इंटरेस्ट कब कब पे करती है, 30 जून को, और अगला इंटरेस्ट कब पे करती है, 31 दिसंबर को। 30 जून और 31 दिसंबर ईच ईयर, ये साल में दो बार कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू एंड पेड, इंटरेस्ट ड्यू एंड पेड, ठीक है। साल में दो बार इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है और कंपनी पे कर रही है। आगे और पढ़ते हैं, देखो ध्यान देना, दिख रहा है आप सभी को। ओके, अब यहां पे पहले केस में इन्होंने डिबेंचर कब परचेस किया है, 1 मार्च को। 1 मार्च कहां पे आता है ये टाइमलाइन में ध्यान देना जरा, 1 मार्च आएगा यहां पे, 1 मार्च को ये क्या है, डिबेंचर परचेस किया है। 1 मार्च को डिबेंचर परचेस किया है, ये कौन सा डेट है आपका, 31 दिसंबर। सो एक बार प्लीज ध्यान देना टाइमलाइन की तरफ, 31 दिसंबर कंपनी ने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, पे कर दिया, इंटरेस्ट ड्यू एंड पेड। हर साल में कंपनी 30 जून और 31 दिसंबर को कंपनी इंटरेस्ट ड्यू करके पे कर देती है, बरोबर है। और हमने ये डिबेंचर कब परचेस किया, डिबेंचर परचेस किया हमने 1 मार्च को। प्लीज़ ध्यान देना बच्चों, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ 60 सेकेंड तक आपने ध्यान देना है, ध्यान देना बेटा। सो 1 मार्च को डिबेंचर परचेस किया है। अब जिस दिन डिबेंचर परचेस किया, ध्यान देना मेरे सेंटेंस की तरफ, जिस दिन डिबेंचर परचेस किया 1 मार्च को, उसके इमीडिएट पिछला ड्यू डेट, 1 मार्च का इमीडिएट पिछला ड्यू डेट, 1 मार्च से पिछला इंटरेस्ट का ड्यू डेट कौन सा आता है, 31 दिसंबर। सो देखो ध्यान देना बेटा, कंपनी ने जिस किसी ओनर से डिबेंचर परचेस किया होगा, जिस किसी डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर परचेस किया होगा, कब परचेस किया होगा, 1 मार्च को, तो पक्के में उस डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को बोला ही होगा, हे कंपनी सुन, मैंने
31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट तो मैं लेकर के खा गया, एंजॉय कर लिया, कंज्यूम कर लिया, मतलब उस डिबेंचर होल्डर को, जिस डिबेंचर होल्डर से हमने 1 मार्च को डिबेंचर परचेस किया, उस डिबेंचर होल्डर को 31 दिसंबर तक का 31 मार्च नहीं, 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट तो मिल गया होगा, 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट तो उसने खा गया हो गया, कंज्यूम कर लिया हो गया, एंजॉय कर लिया होगा, 31 दिसंबर तक का सब हिसाब खत्म। और कंपनी ने डिबेंचर कब परचेस किया? 1 मार्च को। तो बट ऑब्वियस है यार, वो पुराना वाला डिबेंचर होल्डर जिससे कंपनी डिबेंचर परचेस कर रही है 1 मार्च को, वो पुराना डिबेंचर होल्डर कि ये 31 दिसंबर से 1 मार्च तक का ये 2 महीने का इंटरेस्ट डिमांड नहीं करेगा रे कंपनी से। पुराना डिबेंचर होल्डर बोलेगा नहीं, हे कंपनी सुन, तुम मुझसे डिबेंचर कब परचेस कर रही है? 1 मार्च को, तो मुझे 31 दिसंबर से 1 मार्च तक का इंटरेस्ट तो दे। सर आपने 31 दिसंबर तक का क्यों लिया, उसके पीछे क्यों नहीं गए? अरे 31 दिसंबर और उसके पहले का इंटरेस्ट तो पुराने डिबेंचर होल्डर को मिल गया होगा। 31 दिसंबर के बाद अगली बार इंटरेस्ट कब मिलता है? 30 जून को, और हमने कब खरीदा? ये बीच में 1 मार्च को। सो कंपनी पुराने डिबेंचर होल्डर से 1 मार्च को डिबेंचर परचेस कर रही है, तो पुराना डिबेंचर होल्डर कंपनी को बोलेगा, हे कंपनी सुन, 31 दिसंबर से 1 मार्च तक का इंटरेस्ट तो मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दो महीने उस डिबेंचर को किसने पाला पोसा? पुराने वाले डिबेंचर होल्डर ने। सो कंपनी बोलेगी, हाँ ठीक है, ज्यादा बड़बड़ मत कर, मैं तुझे ये 2 महीने का इंटरेस्ट पे कर देती हूँ। सो 31 दिसंबर से 1 मार्च कितना महीना होता है? 2 महीना। सर हमें कैसे समझेगा कि कम इंटरेस्ट वाले केस में कितना इंटरेस्ट रहने वाला है? उसी के लिए तो मैं सेंटेंस बता रहा हूं काम का। जिस दिन डिबेंचर परचेस किया उससे इमीडिएट पिछला ड्यू डेट, जिस दिन डिबेंचर परचेस किया उससे इमीडिएट पिछला ड्यू डेट जो था, ड्यू डेट कौन सा? इंटरेस्ट का। वापस बोल रहा हूं, जिस दिन डिबेंचर परचेस किया उससे इमीडिएट पिछला ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, वहां से लेके तो डेट ऑफ परचेस तक, जिस दिन डिबेंचर परचेस किया उससे इमीडिएट पिछला इंटरेस्ट का ड्यू डेट जो था, वो ड्यू डेट से लेके तो डेट ऑफ परचेस तक का इंटरेस्ट रहता है हर बार कम इंटरेस्ट के केस में। सो यहां पे डिबेंचर कब परचेस किया? 1 मार्च को। 1 मार्च से पिछला ड्यू डेट कौन सा आता है? पिछला ड्यू डेट 30 जून तो आएगा नहीं, 1 मार्च के लगेज इमीडिएट पहले कौन सा ड्यू डेट आने वाला है? 31 दिसंबर। सो 31 दिसंबर से 1 मार्च 2 महीना होता है, तो पक्के में वो 98 रुपीज जो कम इंटरेस्ट प्राइस है, उस 98 में 2 महीने का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। बरोबर है क्या? अच्छा, इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट पे करते हैं हम लोग? फेस वैल्यू पे। इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट पे करते हैं डिबेंचर में? फेस वैल्यू पे। खरीदा कितने में भी होगा, इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू पे ड्यू होने वाला है। बरोबर है। सो अभी मैं निकालता हूं, बच्चों ध्यान देना। पॉइंट ए, कम इंटरेस्ट प्राइस पेड। कितने डिबेंचर का परचेस किया हमने यहाँ पे? सर नंबर ऑफ डिबेंचर्स तो कुछ दिया नहीं है। अरे बाबा फेस वैल्यू दिया है ना, देखो सेकंड नंबर के कॉलम में, बीच के कॉलम में दिया है 10,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर खरीदे। अब मुझे एक बात बताओ, 10,000 की फेस वैल्यू में कितने डिबेंचर आते हैं? एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100, तो 10,000 के फेस वैल्यू में कितने डिबेंचर आएंगे? 100। 10,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू पर डिबेंचर, 10,000 फेस वैल्यू है डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू पर डिबेंचर, सो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आ जाएंगे? 100। सो 100 डिबेंचर मल्टीप्लाइड बाय एक डिबेंचर का कम इंटरेस्ट प्राइस है 98, सो टोटल कितना पे किया होगा? 9,800 रुपए पे किया है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट है ना, CUM, कम इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट पकड़ के हमने 100 डिबेंचर के लिए 9,800 पे किया है। चलो आगे, अब हमें क्या करना है? जुदा करना है, इंटरेस्ट का कंपोनेंट अलग और डिबेंचर के लिए कितना पे किया वो अलग। अभी निकाल लेता हूं, चलो ध्यान देना। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, अभी तो हमने बताया था इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, डेट ऑफ परचेस से इमीडिएट पिछला जो इंटरेस्ट का ड्यू डेट था वहां से लेके तो डेट ऑफ परचेस तक, यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 महीने का। मुझे एक बात बताओ बच्चों, 10,000 फेस वैल्यू पे 2 महीने का कितना इंटरेस्ट आता है? 10,000 रुपीज जो फेस वैल्यू है, इंटू यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया रे बाबा इस केस में? 12%, इंटू 2/12, बोलो कितना आ रहा है फिर? 10,000 इंटू 12% इंटू 2/12, 200 रुपये इंटरेस्ट का पे किया है। मतलब यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना रहेगा? ए माइनस बी, 9,600 रुपये। एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना रहेगा? 9,600 रुपये। कुछ था इसमें, चलो आगे और चलते। सर इसका मतलब हमें 10,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर 9,600 मिल गए? हाँ। सर इसका मतलब हमारा फायदा हो गया 400 का? हाँ। सो लिख लेता हूँ यहीं पे आगे, देयरफोर प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर,
कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर कैंसिल कर रहे हैं, 10,000 के, और उसके लिए हमें कितना रुपया देना पड़ा, कंसिडरेशन एक्स इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, 9,600। देयरफॉर प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन कितना है, 400। ये कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। ये कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। कुछ था बेटा इसमें, बहुत आसान है, आपने ठीक से ध्यान देना बेटा, देखो जरा ध्यान देना। हमने क्या किया, कंपनी ने यहाँ पे 10,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर परचेस किए हैं, कब, 1 मार्च को। हर बार एक चीज ध्यान रखना, डेट ऑफ परचेस से लगेज पिछला, इमीडिएट पिछला जो इंटरेस्ट का ड्यू डेट है वो ड्यू डेट से लेके तो डेट ऑफ परचेस तक का इंटरेस्ट लेना है, कम इंटरेस्ट के अंदर में, बरोबर है, बस आपने ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 1 मास से इमीडिएट पिछला ड्यू डेट 31 दिसंबर है, 2 महीने का इंटरेस्ट आ गया 10,000 की फेस वैल्यू पे, 200 रुपए, 12% के हिसाब से, बरोबर है। चलो आगे, सर आपने ये क्यों लिखा, अभी बता दो। अब हम लोग एंट्रीज पास करेंगे ना, ये आपके आंसर का पार्ट है, वर्किंग नोट नंबर 1। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था, जिस दिन परचेस किया उससे इमीडिएट पिछला ड्यू डेट, बरोबर है, पक्का। चलो ये आपके आंसर का पार्ट है, अब लिखो बेटा, उसके बाद में जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द कंपनी, एंट्रीज पास करने बोला है ना आपको, सो लिखो जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द कंपनी। सबसे पहला एंट्री, कंपनी ने अपना डिबेंचर खरीदा है, डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट। सर यहाँ पे हम लोग डिबेंचर रिडम्पशन की जगह कोई दूसरा नाम लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, नाम में क्या पड़ा है, नेचर समझना जरूरी है। कंपनी ने अपना डिबेंचर परचेस किया है और सेम डे कंपनी इमीडिएटली वो डिबेंचर कैंसिल करने वाली है, ठीक है, ध्यान देना। डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, बच्चों प्लीज ध्यान देना, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड। सर इंटरेस्ट कितना पे किया अभी निकाला ना, 200। सर डिबेंचर के लिए कितना पे किया अभी निकाला ना, 9,600। सर टोटल कितना पे किया, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 9,800। नरेशन लिखो बेटा, नरेशन लिखो फटाफट से, 100 डिबेंचर, नरेशन आप सभी ने मेरे साथ लिखना है, मैं जो बोल रहा हूँ नरेशन फटाफट से लिखो, 100 डिबेंचर्स वो परचेस्ड बाय द कंपनी एट द रेट ₹98 कम इंटरेस्ट प्राइस पर डिबेंचर। वापस बोल रहा हूँ, 100 डिबेंचर्स वो परचेस्ड बाय द कंपनी एट द रेट ₹98 पर डिबेंचर, 98 कम इंटरेस्ट प्राइस पर डिबेंचर, 98 कम इंटरेस्ट प्राइस पर डिबेंचर। सिंपल था, पहला वाला एंट्री हमने कर दिया, बहुत सिंपल था ये। आप समझ में आया क्या, पहला वर्किंग नोट क्यों बनाया, क्योंकि हमें पता लगाना था टोटल ये 9,800 तो डिबेंचर और इंटरेस्ट मिला के है, मुझे पता लगाना था कि डिबेंचर के लिए कितना दिया, तब कहां जाके मैं लिखूंगा ना डिबेंचर रिडेम्पशन 9,600। मुझे पता लगाना था इंटरेस्ट के लिए कितना दिया, तब जाके मैं लिखूंगा ना डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 200 रुपए। सिंपल है, चलो आगे। तो ये था आपका 1st ऑफ मार्च का ट्रांजेक्शन। सर इन्होंने तो यहाँ पे बोला है कि 1st ऑफ मार्च को इमीडिएटली इन्होंने कैंसिल कर दिया, 1 मार्च 2014। हाँ बेटा अभी कैंसिल कर देता हूँ, ध्यान देना अभी कैंसिल करता हूँ। सेकेंड एंट्री, 1st ऑफ मार्च 2014, अभी डिबेंचर कैंसिल कर रहा हूँ। डिबेंचर का क्रेडिट बैलेंस कैंसिल करना है तो डेबिट करो, डिबेंचर का नाम क्या है देखो जरा क्वेश्चन में, 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर कैंसिल करना है तो 12% डिबेंचर्स को डेबिट करो। कितने डिबेंचर्स कैंसिल हो रहे, 100 मल्टीप्लाइड बाय ₹100 पर डिबेंचर। 100 क्यों लिया हमने, तो 98 में लिया। अरे बाबा डिबेंचर जो कैंसिल करना है वो डिबेंचर जो लायबिलिटी था बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में वो तो फेस वैल्यू पे था ना। 100 डिबेंचर कैंसिल करना है तो 100 डिबेंचर का फेस वैल्यू कैंसिल होगा जो कि कितना है, 10,000 रुपए। और ये 10,000 के डिबेंचर कैंसिल करने के लिए हमें कितना देना पड़ा, डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट कितना करना पड़ा, 9,600। सो डिबेंचर रिडेम्पशन पहले डेबिट किया था, मैं डिबेंचर वो कैंसिल कर रहा हूं तो लिखूंगा टू डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट कितना, 9,600। सर यहां तो 400 का फायदा हो गया, वही तो फायदा मैंने निकाला था, देख 400 का फायदा कैपिटल रिजर्व, यानी 10,000 की लाइबिलिटी आपकी 9,600 में कैंसिल हो गई। 10,000 की लाइबिलिटी पहले डिबेंचर रिडेम्पशन डेबिट किया, बाद में डिबेंचर रिडेम्पशन क्रेडिट कर दिया, 10,000 की लाइबिलिटी आपकी कितने में कैंसिल हो गई, 9,600 में, 400 का फायदा हो गया। लिखो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना, 400। नरेशन लिखो फटाफट से जो मैं बोल रहा हूँ, ये बाबा फटाफट से नरेशन लिख रहे बाबा, चल फटाफट लिख। लिखो बेटा प्रॉफिट ऑन कैंसल, हाँ सुनो ऐसे नहीं ऐसे नहीं, नरेशन ठीक से लिखो, 12% डिबेंचर्स वर कैंसल्ड, लिखो बेटा 12% डिबेंचर्स वर कैंसल्ड एंड प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, 12% डिबेंचर्स वर कैंसल्ड एंड प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व।
प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, चलो ट्रांसफर कर दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री ये वर्किंग नोट वन लिख लिया ना बेटा सभी ने, ये वर्किंग नोट वन बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट एंट्री, थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री, हाँ बेटा थर्ड एंट्री के लिए देखो इसमें अगला डेट कौन सा है। और अभी बेटा हमने कब कैंसिल किया, फर्स्ट ऑफ मार्च को, फर्स्ट ऑफ मार्च को मैंने कैंसिल कर दिया है। फर्स्ट ऑफ मार्च के बाद अगला डेट कौन सा आता है, ढूंढो क्वेश्चन में फटाफट से ढूंढे बाबा। अप्रैल, अप्रैल में कुछ हुआ नो, मई में कुछ हुआ नो, जून में कुछ हुआ नो, ऐसे कैसे नो, जून में इंटरेस्ट पे करती है ना कंपनी 30 जून और 31st ऑफ दिसंबर, सो 30 जून का इंटरेस्ट का एंट्री हम लोग करेंगे बेटा। लिखो अगला डेट 30 जून 2014, लिखो बेटा फटाफट से, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड। कुछ टीडीएस वगैरह है क्या यहाँ पे चेक कर लेना, नो टीडीएस तो कुछ है नहीं, स्ट्रेट वे डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, सो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर कितने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना है, आप ही हिसाब लगा लो कितने डिबेंचर पे देना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने 100 डिबेंचर कैंसिल कर दिए, तो जो डिबेंचर कंपनी ने कैंसिल कर दिए, खरीद के इमीडिएटली कैंसिल कर दिए, वो डिबेंचर पे वापस इंटरेस्ट जाएगा क्या, नो। सो 100 डिबेंचर छोड़ दिए तो बचे कितने, चेक करो बेटा यहाँ पे 100 डिबेंचर चले गए, टोटल 1000 डिबेंचर थे, 1000 में से हमने 10000 फेस वैल्यू के यानी 100 डिबेंचर परचेस करके कैंसिल कर दिए, सो बचा कितना डिबेंचर, 900 डिबेंचर पे ही इंटरेस्ट देना है। चलो लिखो बेटा, जो जिंदा डिबेंचर है उन जिंदा डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना है, सो लिखो फिर यहाँ पे नंबर 900 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। सर 6/12 क्यों किया, साल में दो बार इंटरेस्ट देते ना 30 जून 31 दिसंबर, तो 6-6 महीने का ही है, बोलो कितना आ रहा है, 900 × 100 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कितना आ गया, 5400 सिंपल था, पे कर दिया। सर यहां टीडीएस होता तो फिर मैं ऐसा लिखता, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू टीडीएस पेएबल, अगले एंट्री में टीडीएस पेएबल टू बैंक, लेकिन टीडीएस तो यहां पे है नहीं। उसके बाद अगला डेट 30 जून के बाद अगला डेट ढूंढो क्वेश्चन में कौन सा आ रहा है, जुलाई में कुछ हुआ नो, अगस्त में कुछ हुआ हाँ, 1 अगस्त 2014 को देखो ऊपर से दूसरे रो में दिख रहा है क्या, 20000 फेस वैल्यू के डिबेंचर हमने परचेस करके कैंसिल किया, 1 अगस्त 2014 सेम। वर्किंग नोट बना लूँ क्या, पहले एक काम करूँ क्या, वर्किंग नोट बना लेता हूँ बच्चों, ध्यान देना अगला जो एंट्री है वो कब का है, 1 अगस्त 2014 फिर से डिबेंचर रिडम्पशन सेम हमने अभी जो किया था, डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट भी हमने पे किया होगा, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट सेम पहला वाला एंट्री टू बैंक अकाउंट। लेकिन अब हमें पता लगाना है ये सेकेंड रो में जो दिया है 1 अगस्त को 20000 फेस वैल्यू के डिबेंचर जो खरीदे ना वो भी कम इंटरेस्ट है, पता लगा बेटा कि इसमें डिबेंचर का कितना है और इंटरेस्ट का कितना है, इसलिए बना रहा हूं वर्किंग नोट नंबर टू। सो लिखो वर्किंग नोट नंबर टू, 1 अगस्त 2014 ध्यान देना बेटा, 1 अगस्त को क्या हुआ, लिखो यहां पे डिबेंचर्स परचेस्ड कम इंटरेस्ट कितने डिबेंचर है, 20000 फेस वैल्यू, एक का फेस वैल्यू 100, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं 200, सो 200 × कितना दिया मैंने एक के लिए 100 रुपया 25 पैसा, सो बोलो बेटा 100 × 100 200 × 100 रुपये 25 पैसे, सो कितना दिया मैंने 20050 रुपये मैंने दे दिया है, 20050 रुपये टोटल पे किया है। सर इसमें इंटरेस्ट का कितना है, अभी बताता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक सेंटेंस, जिस दिन डिबेंचर परचेस किया इससे इमीडिएट पिछला इंटरेस्ट का ड्यू डेट, वहां से लेके तो डेट ऑफ परचेस तक का, कब खरीदा है ये डिबेंचर, 1 अगस्त को, सो 1 अगस्त से इमीडिएट पिछला ड्यू डेट कौन सा है, 1 अगस्त से पीछे जाओ जुलाई जून, यस 30 जून इंटरेस्ट का ड्यू डेट था, सो 30 जून से लेके 1 अगस्त तक इतना इंटरेस्ट उस कम इंटरेस्ट वाले अमाउंट में इंक्लूडेड है। फिर से बता रहा हूं, डेट ऑफ परचेस से इमीडिएट पिछला ड्यू डेट कौन सा था, 30 जून, सो 30 जून से 1 अगस्त, बोलो कितना आ रहा है बेटा, 30 जून से 1 अगस्त 1 जुलाई, सॉरी 30 जून से 1 अगस्त 1 महीना, 1 महीना, सो 1 महीने का कितना आएगा बेटा बोलो, इसमें डिबेंचर इंटरेस्ट फेस वैल्यू कितनी थी 20000 इंटू 12% इंटू 1/12,
कितना था? 200 रुपये। देयर फोर एक्स इंटरेस्ट प्राइस यानी डिबेंचर के लिए कितना दिया? ए माइनस बी माइनस 20,000, 19,850 रुपये। सर यहाँ पे फायदा कितना हुआ बेटा? 20,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर के लिए, देखो 200 डिबेंचर है, एक का फेस वैल्यू 100, यानी 20,000 फेस वैल्यू के लिए मैंने कितना दिया? 19,850, यानी कितने का फायदा हो गया? 150 रुपये का फायदा हुआ। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कहाँ जाएगा ये? कैपिटल रिजर्व में। सिंपल था। एक बार फिर से देख लो, 30 जून से 1 अगस्त, यानी बीच में इसे भी एक ही महीना आ रहा है, जुलाई। जुलाई एक महीना, 20,000, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% डिवाइडेड बाय 12, 200 का आ रहा है इंटरेस्ट, बराबर है। चलो फटाफट से लिखो बेटा, फिर यहाँ पे 19,850 मैंने दिए डिबेंचर के लिए, 200 रुपये दिए इंटरेस्ट के लिए, टोटल दिया 20,050 रुपये। सेम नैरेशन जो मैंने पहले एंट्री का लिखा था, नैरेशन में कोई चेंज नहीं है बच्चों। चलो आगे। सर अब इमीडिएटली कैंसिल भी करना है क्या? हाँ अभी कैंसिल कर देते बेटा, सेम डे को, 1 अगस्त 2014, अभी कैंसिल कर रहा हूँ। 12% डिबेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, 20,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर कैंसिल टू, पहले डिबेंचर रिडम्शन को डेबिट किया था, अब डिबेंचर रिडम्शन को क्रेडिट कर रहा हूँ, 19,850। फायदा कहाँ जाएगा? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना? 150 रुपीज़। फायदा कहाँ चला जाएगा? टू कैपिटल रिजर्व। सर अगर मैं ऐसा करती हूँ, अगर मैं सर ऐसा करता हूँ कि ये जो फायदा हो रहा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 150, और साल के आखिरी में प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन को डेबिट करके टू कैपिटल रिजर्व लिखता हूं, चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। अभी आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, चलेगा। साल के आखिरी में यहां पे अगर आप अभी टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन लिख के साल के आखिरी में प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन को डेबिट करके टू कैपिटल रिजर्व लिखते हो तो भी चलेगा। चलो बेटा सेम नरेशन लिख दो, 200 डिबेंचर्स वर कैंसल्ड एंड प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। उसके बाद 1 अगस्त के बाद अगला डेट कौन सा है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। यस 1 नवंबर को क्या हुआ है? फिर से परचेस किया है, तीसरा रो। सो वर्किंग नोट नंबर 3 बना लेता हूं। वर्किंग नोट नंबर 3, 1 नवंबर 2014, कंसीडरेशन पेड कम इंटरेस्ट बोलो बेटा कितना पे किया? 1 नवंबर को 5,000 फेस वैल्यू के, मतलब कितने नंबर ऑफ डिबेंचर? 5,000 फेस वैल्यू, टोटल फेस वैल्यू डिवाइड बाय पर डिबेंचर फेस वैल्यू 100, सो 5,000 डिवाइडेड बाय 100 यानी 50 डिबेंचर। सो कितने डिबेंचर का परचेस किया मैंने? 50 डिबेंचर। और एक डिबेंचर के लिए कितना दिया? 98.5। और ये बोला है बेटा एक्स इंटरेस्ट, सॉरी बच्चों ये कम इंटरेस्ट नहीं है, तीसरे केस में क्या दिया है? एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिखा है, तीसरे केस में ये एक्स इंटरेस्ट अमाउंट इन्होंने दे दिया। थैंक यू बोलो इनको, हमें अलग से निकालने का काम नहीं, बट हमें इंटरेस्ट तो निकालना ही पड़ेगा ना, फिर भी इंटरेस्ट का अमाउंट तो निकालना ही पड़ेगा। क्यों सर एक्स इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट का अमाउंट क्यों निकालना? अरे बाबा ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, बट हमने पुराने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट तो दिया ही होगा ना। यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट लिखा है इसका मतलब ये है क्या? पुराने डिबेंचर होल्डर को हमने इंटरेस्ट नहीं दिया, ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस दे दिया है। हमने इतना दिया डिबेंचर के लिए प्लस इंटरेस्ट के लिए भी पक्के में दिया होगा, तो वो निकालना है कितना इंटरेस्ट के लिए दिया है। फिर से कितना? डेट ऑफ परचेस से इमीडिएट पिछला ड्यू डेट इंटरेस्ट का जो था वहां से लेके तो डेट ऑफ परचेस तक का। चलो फटाफट से निकालो बेटा, दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं मैं, डिबेंचर इंटरेस्ट। हाँ 1 नवंबर से पिछला ड्यू डेट कौन सा है? फटाफट से पता लगाओ बेटा, 1 नवंबर से पिछला ड्यू डेट आएगा 30 जून। चलो पता लगाओ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने का निकालो बेटा, 4 महीने का। 5,000 टोटल फेस वैल्यू है, इंटू 12% इंटू 4/12, बोलो कितना आ रहा है? 200 रुपये। ऊपर का अमाउंट निकालो कितना आ रहा है? 50 × 98.5, कितना? 4,925। इन्होंने एक्स इंटरेस्ट अमाउंट दे दिया, इंटरेस्ट के लिए हमने इतना दिया होगा। सर फिर टोटल कितना पे किया होगा? अभी बता देता हूँ। देयर फोर टोटल कंसिडरेशन पेड ए प्लस बी, इंटरेस्ट के लिए इतना दिया और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर के लिए इतना दिया,
पहली दो केस अलग थी, पहली दो केस में कम इंटरेस्ट प्राइस था, तीसरे केस में एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। सो टोटल कितना दिया, प्लस 200, 5125। सो लिखो बेटा फटाफट से एंट्री, 1 नवंबर 2014 डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट विल बी डेबिटेड 4925, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड 200 रुपये, और टोटल कितना पे किया होगा हमने, 5125 रुपीज़। ये हमने इतना टोटल पे किया होगा, कुछ था इसमें। सर तुरंत के तुरंत कैंसिल कर दो, अभी कैंसिल कर देता हूँ। नेक्स्ट एंट्री 7 नंबर, 1 नवंबर 2014 की, अभी कैंसिल कर रहा हूँ। 12% डिबेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड टू डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट। कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर कैंसिल किए, 5000, उसके लिए कितना गया, 4925। 4925 के डिबेंचर हमारी असेट चले गई, और कितने की लाइबिलिटी कम हो रही, 5000 की। ये डिबेंचर रिडम्पशन कितने का गया, 4925, लाइबिलिटी कितने की कम हुई, 5000 की। फायदा कितने का हुआ, माइनस 4925 टू कैपिटल रिजर्व और टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर, सेम नरेशन, कुछ था इसमें, सिंपल है। सारी केसेस हो गई। अब देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में जो सारी डेट दिया था वो तो हो गया, अब 1 नवंबर के बाद आगे क्या आता है, दिसंबर। सर 31 दिसंबर को क्या हुआ, कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, बगैर बोले आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा। चलो फटाफट से डिबेंचर का इंटरेस्ट का एंट्री कर दो बेटा, साल के आखिरी का। 31 दिसंबर 2014 डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड। सर कितने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना है, आप ही हिसाब लगा लो। अभी तक हमने जितने डिबेंचर कैंसिल किए वो सब माइनस कर दो, बचे हुए डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना है। चलो कितने डिबेंचर हमने परचेस किए, 10000। सबसे पहले 100 डिबेंचर, बाद में 200, बाद में और 50, 250, कितना हुआ, 350। सो 350, 1000 में से 350 चले गए, कितने बचे, 650 डिबेंचर। 650 इंटू एक की फेस वैल्यू 100 इंटू 12% इंटू 6/12, 6 महीने का, 1 जुलाई से 31 दिसंबर, साल में 2 बार दे रही है ना कंपनी, बोलो कितना आ जाएगा फिर, इंटू 100, 65000 इंटू आधे साल का कितना आ जाएगा, 3900 टू बैंक अकाउंट, 3900 नरेशन लिख दो, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। कितने डिबेंचर्स पे दिया अलग से लिखने का काम नहीं, ऊपर मैंने लिख दिया। सबसे पहले 100 डिबेंचर कैंसिल किए, 100 कट गए, बाद में 200 खरीद के कैंसिल किए, कट गए, 100, 200, 300, आखिरी में 50 कैंसिल किए, 350 गए, 1000 में से 350 गए, 650 डिबेंचर, 650 डिबेंचर, एक का फेस वैल्यू 100, सो 65000 पे 6 महीने का आ जाएगा 3900 इंटरेस्ट, उतना मैंने पे कर दिया। सर और क्या करना है, साल के आखिरी की फॉर्मेलिटी, सारा डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर करो P&L के डेबिट में टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ढूंढो डिबेंचर इंटरेस्ट कितना था रे बाबा, फटाफट से देखो तो, ये डिबेंचर इंटरेस्ट है 3900, लो कैलकुलेटर पे 3900, उसके बाद ये डिबेंचर इंटरेस्ट है 200, लो बेटा प्लस 200, उसके बाद और का डिबेंचर इंटरेस्ट है, फटाफट से देखना, ये डिबेंचर इंटरेस्ट है और 200, लो बेटा प्लस 200, उसके बाद और का डिबेंचर इंटरेस्ट है, ये 5400 प्लस 5400, और का डिबेंचर इंटरेस्ट है, देखो देखो फटाफट से, ये डिबेंचर इंटरेस्ट है 200 प्लस 200, 9900 पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दो P&L के डेबिट में। नरेशन बहुत आसान है, डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कुछ था बेटा इसमें। CS एग्जीक्यूटिव का रिवीजन चल रहा है बच्चों, बहुत सिंपल टॉपिक है, बस आपने अपना बेसिक अकाउंट्स का जो मैंने लेक्चर डाला हुआ है उसके रूल्स अप्लाई करना है और इंटरेस्ट पास करना है, और कुछ नहीं है, कुछ था इस क्वेश्चन में। चलो आगे, सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखो क्या दिया बेटा, यहाँ पे ध्यान देना आप सभी ने। सो सिक्स में देखो क्या दिया है। सर सिक्स के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा इधर पेज पे, ये डिबेंचर क्वेश्चन नंबर 6, ओके दिख रहा है बेटा सभी को स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6, ओके ध्यान देना। HM लिमिटेड हैड इशूड 1000 6% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, द कंपनी
ऑन 1st of March 2003 परचेज्ड 50 ऑफ इट्स डिबेंचर एट रुपीज 96 ईच कम इंटरेस्ट इंटरेस्ट पेएबल ऑन 30th June एंड 31st of December दिस डिबेंचर्स आर कैंसल्ड ऑन ईयर एंडिंग 31st of December 2003 You are required to show the journal entries to record the above transaction. बच्चों अभी हमने जो क्वेश्चन देखा उसके अंदर में क्या था रे बाबा, कंपनी ने डिबेंचर परचेस करके सेम डे कैंसिल कर दिया. यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी डिबेंचर परचेस अभी कर रही है और कैंसिल कब कर रही है, साल के आखिरी में. पिछले वाले केस में डिबेंचर परचेस्ड एंड इमीडिएटली कैंसल, यहाँ पे डिबेंचर परचेस किया है क्वेश्चन नंबर 6 में और कब कैंसिल किया, कैंसल्ड ऑन ईयर एंडिंग 31st of December 2003. यानी सर फिर क्या साल भर उस डिबेंचर को कंपनी ने पाल पोस के रखा है क्या? हाँ सर. मतलब वो साल भर वो डिबेंचर जिंदा थे क्या? हाँ. मतलब सर जो डिबेंचर कंपनी ने अब तक कैंसिल नहीं किया उस डिबेंचर के ऊपर कंपनी इंटरेस्ट का खर्चा भी ड्यू करेगी क्या? हाँ. लेकिन कंपनी अपने आप को इंटरेस्ट पे तो नहीं करेगी ना, कंपनी ने ओपन मार्केट से खुद ही ने डिबेंचर कर दी इंटरेस्ट डिबेंचर परचेस कर लिया, कंपनी ने ओपन मार्केट से खुद ही ने डिबेंचर परचेस कर लिया. अब मुझे एक बात बताओ, डिबेंचर इशू करने वाली भी कंपनी खुद, परचेस करने वाली भी कंपनी खुद, तो कंपनी अपने आप को इंटरेस्ट देगी क्या? नो. लेकिन इंटरेस्ट नाम का खर्चा ड्यू होगा क्या? हाँ. वो अलग बात है, पे नहीं होगा लेकिन ड्यू होगा. बताता हूं कैसे होगा. तो ध्यान देना बेटा, वही जर्नल एंट्रीज आपको करने के लिए बोला है, प्लीज ध्यान दे दो. क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 9.3 लिखो फटाफट से. HM लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, सबसे पहली एंट्री, कंपनी हैड इशूड. बच्चों ध्यान देना, कंपनी हैड इशूड, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, कंपनी हैड इशूड 1006% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच. ओके, कंपनी ने ऑलरेडी इशू कर दिया था, मतलब हमें यहाँ पे इशू ऑफ डिबेंचर का एंट्री पास करने का काम नहीं है. कंपनी हैड इशूड 1000 डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच. आगे लिखा है, कंपनी ऑन 1st of March 2003 परचेज्ड 50 ऑफ इट्स डिबेंचर एट रुपीज 96 ईच कम इंटरेस्ट. कंपनी ने 1 मार्च को खुद ही के 50 डिबेंचर कम इंटरेस्ट बेसिस पे खरीद लिए. अभी निकाल लेते बेटा, देखो जरा ध्यान देना, मैं एंट्री लिख रहा हूँ यहाँ पे. पहला एंट्री 1st of March 2003. अब यहाँ पे हम लोग डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, कंपनी इमीडिएटली कैंसिल नहीं कर रही है, कंपनी डिबेंचर परचेस करके रख रही है और साल भर तक कंपनी उस डिबेंचर को पाल पोस रही है और साल के आखिरी में कैंसिल कर रही है. आसान भाषा में कंपनी ने अपना ही पैसा अपने ही डिबेंचर में इन्वेस्ट किया. सो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड. सो मैं यहां पर लिखता हूं इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड. कितने डिबेंचर खरीदा कंपनी ने, 50 डिबेंचर परचेस किया है और यहाँ पे डिबेंचर के लिए कितना पैसा दिया ये बताओ, इंटरेस्ट के लिए नहीं, डिबेंचर के लिए कितना दिया ये बताओ. सर यहाँ पे डिबेंचर के लिए कितना दिया वो तो दिया ही नहीं है. सर इन्होंने तो 96 रुपीज कम इंटरेस्ट दिया है, तो अभी निकाल लेते हो डिबेंचर के लिए कितना दिया. ध्यान देना बेटा, 50 डिबेंचर है, एक की फेस वैल्यू 100, सो 50 × 100 5000 टोटल फेस वैल्यू के ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया होगा. फिर से वही सेंटेंस, जिस दिन डिबेंचर परचेस किया उससे इमीडिएट पिछला ड्यू डेट, पिछला इंटरेस्ट का ड्यू डेट यहां से लेके तो डेट ऑफ परचेस तक का इंटरेस्ट आएगा कम इंटरेस्ट के अंदर में. सो देखो जरा ध्यान देना, इंटरेस्ट की ड्यू डेट है 30 जून और 31st of December. सो 1 मार्च से पिछला ड्यू डेट इंटरेस्ट का कौन सा आएगा, 31st of December. सो 31st December से 1 मार्च, जनवरी फरवरी 2 महीना. सो कितना आएगा बेटा यहां पर ध्यान देना, तो 5000 रुपए के ऊपर 6% के हिसाब से 2 महीने का कितना, सो बोलो बेटा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ जाएगा, 5000 × 6% × 2 / 12 कितना आया, 50 रुपये. सो कंपनी ने 50 डिबेंचर के लिए 96 के हिसाब से कितना दिया होगा, 4800, 50 × 96, उसमें से 50 रुपये कौन से थे, इंटरेस्ट के, यानी बचा हुआ क्या था 4800, इसमें से इंटरेस्ट का कितना था 50 रुपये. सो डिबेंचर के लिए कितना दिया, 4750. डेट ऑफ परचेस से इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का पिछला ड्यू डेट 2 महीना आ रहा है, सो कम इंटरेस्ट में 2 महीने का इंटरेस्ट है. सर इंटरेस्ट कौन से वैल्यू पे निकालना है, फेस वैल्यू पे. फेस वैल्यू कितना है 50 डिबेंचर का, 5000 रुपये. सो सर यहाँ पे डिबेंचर के लिए दिया 4750. अब यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन
ओन डिबेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, कितना दिया 50 रुपये। टू, टोटल पैसा कितना दिया टू बैंक अकाउंट 4,800 रुपये। नरेशन लिखो बेटा, नरेशन फटाफट से लिखो। 50 डिबेंचर्स व परचेज्ड बाय द कंपनी एज एन इन्वेस्टमेंट इन ओन्ड डिबेंचर्स। 50 डिबेंचर्स व परचेज्ड बाय द कंपनी एज एन इन्वेस्टमेंट इन ओन्ड डिबेंचर्स एट द रेट, लिखो बेटा एट द रेट ₹96 पर डिबेंचर कम इंटरेस्ट प्राइस। एट द रेट ₹96 पर डिबेंचर कम इंटरेस्ट प्राइस। आगे और चलते, ध्यान देना बेटा। अब यहाँ पे कंपनी ने कैंसिल नहीं किया है, 1 मार्च को ये एंट्री हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री ढूंढो, अगला एंट्री, अगला डेट कौन सा है, क्वेश्चन में ढूंढना है बेटा आप सभी ने। 1 मार्च के बाद अप्रैल में कुछ हुआ? नो। मई में कुछ हुआ? नो। जून में क्या हुआ? यस, 30 जून को कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। अभी दे देता हूँ बेटा, ध्यान देना। सो 30 जून 2003 डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड। सर कितना इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी यहाँ पे? सारे डिबेंचर जिंदा है, कोई भी डिबेंचर कैंसिल नहीं किया है, तो सारे डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना है। अभी पे कर देते हैं डिबेंचर, देखो डिबेंचर इंटरेस्ट कितने डिबेंचर है, देखो देखो कंपनी के टोटल 1000 डिबेंचर है। सो 1000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 का फेस वैल्यू 100 मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 6 महीने का, बोलो बेटा कितना आ रहा है? 1,00,000 इंटू 6% इंटू 6/12, बोलो कितना आया बेटा? 3,000 रुपये। सो डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक अकाउंट। वेट, अब ये 1000 में से हमारे पास कितने डिबेंचर है? हमारे ही डिबेंचर हमारे ही पास है, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर बोल के अभी खरीदा था। देखो कितने हमारे पास, 50। सो ये 50 डिबेंचर पे कंपनी अपने आप को इंटरेस्ट देगी क्या? नो। सो इंटरेस्ट किसको मिलेगा? सिर्फ थर्ड पार्टी डिबेंचर होल्डर्स को, बाहर वालों को। बाहर वाले कितने हैं? ये 1000 में से 50 हमारे खुद के पास है। सो 950 डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट जाएगा। 950 डिबेंचर मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, बोलो बेटा कितना आ रहा है? 950 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ रहा है? 2850। सर ऊपर का 150 टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट कितना आ जाएगा? 150 रुपये कुछ था इसमें। चलो आगे, उसके बाद सर नरेशन तो लिखवा दो, लिखो बेटा डिबेंचर इंटरेस्ट वर पेड, फटाफट से नरेशन लिखना बेटा आप सभी ने। डिबेंचर इंटरेस्ट वर पेड टू आउटसाइड डिबेंचर होल्डर्स, वापस बोल रहा हूँ, डिबेंचर इंटरेस्ट वर पेड टू आउटसाइड डिबेंचर होल्डर्स एंड इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स वर ड्यू। इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स वर ड्यू, बरोबर है? हम अपने आप को तो पे नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास जो हमारे ही डिबेंचर है उसके ऊपर हमारा इनकम तो ड्यू हो जाएगा, वो अलग बात है। हम लोग अपने आप को पे नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमने जैसे खर्चा ड्यू किया इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट लिख के, वैसे ही वो 50 डिबेंचर के ऊपर इनकम भी तो ड्यू करना पड़ेगा इंटरेस्ट का, लिख करके पे नहीं करेंगे अपने आप को, लेकिन खर्चा भी ड्यू किया इंटरेस्ट भी ड्यू किया, बरोबर है? डिबेंचर इंटरेस्ट नाम का खर्चा भी ड्यू किया और इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर नाम का इनकम भी ड्यू किया, बरोबर है? साल के आखिर में पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा अपने आप। आगे और चलते हैं, नेक्स्ट एंट्री, थर्ड वाला एंट्री। 30 जून के बाद आगे क्या हुआ, देखो ध्यान देना बेटा। 30 जून के बाद जुलाई को क्या हुआ? कुछ? नो। अगस्त? नो। सितंबर? नो। अक्टूबर? नो। नवंबर? नो। दिसंबर? यस। 31st ऑफ दिसंबर को हमने इंटरेस्ट पे किया फिर से, अभी दे देते हैं। लिखो बेटा 31st ऑफ दिसंबर 2003 फिर से डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट वर डेबिटेड। फिर से कितने डिबेंचर है बाबा? टोटल अभी तक कैंसिल नहीं किया कुछ भी, 1000 डिबेंचर्स इंटू 100 इंटू 6% इंटू 6/12, बोलो बेटा कितना आ गया? फिर से 3000 रुपीज टू बैंक अकाउंट, बाहर वालों को दे दो। तो बैंक अकाउंट कितना? उतना ही जितना हमने अभी दिया था, 2850 और टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स कितना? 150। सेम नरेशन जो मैंने 30 जून के एंट्री में लिखवा के दिया, तीसरे एंट्री में डिबेंचर इंटरेस्ट वर्ड ड्यू, बरोबर है?
आउटसाइडर्स डिबेंचर होल्डर्स को हमने पे कर दिया और जो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर से वो हमने ड्यू कर दिया। सेम नरेशन तीसरे एंट्री का, बराबर है। सर 31 दिसंबर को क्या करना है? इन्होंने बोला है ना क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में लिखा है बेटा ऊपर से चौथे लाइन में, डिबेंचर्स आर कैंसल्ड ऑन ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2003। अब मैं डिबेंचर्स कैंसिल कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना, ये जो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर थी ना 4750 की, 50 डिबेंचर, अब मैं वो कैंसिल कर रहा हूँ। डिबेंचर कैंसिल करना है तो 6% डिबेंचर्स को डेबिट करो, डिबेंचर्स लाइबिलिटी ये कैंसिल करना है, डेबिट करो कितने, 50 डिबेंचर इंटू 1 का फेस वैल्यू 100, यानी 5000 डिबेंचर की लाइबिलिटी कैंसिल, बदले में इन्वेस्टमेंट कितने की गई टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स कितना 4750 का इन्वेस्टमेंट था। सर यहाँ तो फायदा हो गया, हाँ टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितने का फायदा हुआ 250 रुपए का। नरेशन लिखो बेटा 50 डिबेंचर्स वर कैंसल्ड एंड प्रॉफिट ऑन कैंसलेशंस वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बच्चे वहां पे टू कैपिटल रिजर्व की जगह टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन लिखने के बाद अगली एक और एंट्री पास करना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बराबर है। चलो आगे सर, अब एक साल के आखिरी की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं ना, सारी जो इंटरेस्ट हमने जो डेबिट किया है वो सारी इंटरेस्ट पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ बेटा अभी ट्रांसफर कर देते हैं। सो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, डिबेंचर इंटरेस्ट देखो जरा फटाफट से सारी एंट्री में, डिबेंचर इंटरेस्ट 3000 डेबिट हुआ है, सो डिबेंचर इंटरेस्ट 6000 है, सो पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट 6000। नरेशन बहुत आसान है, डिबेंचर इंटरेस्ट वर ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। सर इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर भी है, हाँ वो भी ट्रांसफर कर देते हो अभी, ध्यान देना बेटा। इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर देखो जरा, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स ध्यान देना आप सभी ने, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर डेबिट 50, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर क्रेडिट है, इनकम है 150, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर कहाँ गया रे बाबा, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर ये क्रेडिट है 150, सो 150 क्रेडिट 300 क्रेडिट हो गया और 50 डेबिट हुआ, सो कितना है 250 का इनकम है, 300 क्रेडिट 50 डेबिट 250 का इनकम है, अभी ट्रांसफर कर देता हूँ बेटा। इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 250 इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर का नेट बैलेंस 50 डेबिट 150 क्रेडिट, सो 300 क्रेडिट 50 डेबिट, सो 250 क्रेडिट बैलेंस इनकम ट्रांसफर कर दिया पीएनएल के क्रेडिट में। देखो पीएनएल के क्रेडिट में कुछ था इसमें, ये था आपका क्वेश्चन नंबर।